जय माता दी ऑल एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू टू योर पेरेंट्स, आपके मम्मी को, पापा को, फैमिली को, ब्रदर को, सिस्टर को, सबको विश यू अ वेरी धमाकेदार मीठी मीठी मिठाइयों वाली और फुलझड़ियों वाली दिवाली। हाँ, रोशनी का त्यौहार है, रोशनी के साथ मनाइए। और मेरी तरफ से एक फ्री गिफ्ट है आप सब लोगों के लिए, चाहे आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में हो, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में हो, या क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो, या क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आज जो मैं फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ, दिल से इतनी मेहनत करके वो गिफ्ट तैयार किया है और वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप सबके लिए है, आप सबके लिए है। धमाका, दिवाली धमाका, दिवाली धमाका सबके लिए। एंड आई और क्या देने वाला हूँ वो आपको बता रहा हूँ, यहाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, आने वाले 25 साल 30 साल ये जो मैंने यहाँ पर मेहनत करके इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, काम आएगा आपको जिंदगी भर काम आएगा। अगर आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, आई नो कि बहुत सारे हैं जो मेरे चैनल के ऊपर हैं, आए देखें, एंजॉय करें, मजा करें और मजेदार है। एंड आई टेल यू वन थिंग, विल जब आप देखोगे तो दिमाग ऐसे चरखड़ी की तरह, चक्री 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 की तरह घूमेगा और फिर फुर अनार की तरह भी निकल जाएगा बहुत कुछ। तोते उड़ जाएंगे, मोर उड़ जाएंगे और नट बोल्ट सारे खुल जाएंगे। रातों को बैठकर बहुत मेहनत करके फ्लो चार्ट्स भी बनाए हैं, इंटरप्रिटेशंस भी बनाई हैं, बहुत मेहनत की है और वो बहुत मेहनत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड विद आ कंडीशन कि पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत मेहनत करना, जितनी मेहनत मैंने की है उतनी मेहनत आप भी करना। विल टिल द एंड पूरा देखना, एग्जाम के लिए भी काम आएगा, जिंदगी भर आगे ये नॉलेज काम आएगी। इंटरप्रिटेशंस, बाल की खाल, खाल की भी खाल, वेल मजेदार है और उसके बाद खून में घुस जाएगा, खून में ये चीजें घुस जाएंगी, दिमाग में बस जाएंगी, लीवर में, किडनी में, हर जगह चली जाएंगी। दिवाली की मिठाई के साथ बिठा लेना, दिवाली की मिठाई भी अंदर जाएगी और साथ में बहुत कुछ जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करने का है। वेल 25 फरवरी को महादिवाली मनाएंगे, वो बात की बात है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बोलूंगा, चाहे आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में हो, या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में हो, या प्रोफेशनल प्रोग्राम में हो, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, 1 अप्रैल 2022 को ये अमेंडमेंट हुई थी, 1 अप्रैल 2022 को इट वॉज अमेंडेड। और अगर आपने ये अमेंडमेंट पहले पढ़ी भी है, 2 घंटे 22 मिनट जान लगा दी है मैंने यहाँ पर, पहले अगर आपने पढ़ी भी है, ऐसे तो पढ़ी नहीं होगी, मैं स्टैम्प पेपर पे गारंटी देता हूँ लिखकर कि नहीं पढ़ी होगी। मजा आएगा आपको, खूब मतलब धमाकेदार, सबके लिए नॉलेज है, सबके लिए नॉलेज है। एंड वेल यू विल फील लाइक कि हमने पहले अगर पढ़ा भी था, ऐसा तो सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी पढ़ा जा सकता है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपका फीडबैक चाहूँगा मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर, 8448804439, डू गिव मी अ फीडबैक विद ऑल योर लव एंड विद ऑल योर ब्लेसिंग्स, कि मैं ऐसी ही इंटरप्रिटेशन आगे भी कर करके आपके साथ शेयर करता रहूं। और दिवाली के बाद होली और बहुत कुछ बनाते रहें। अच्छा, ग्रैंड प्राइज, एक और एक चीज़ बता दूं आपको, सरप्राइज, सरप्राइज, ग्रैंड प्राइज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तो नहीं पूछूंगा, लेकिन सवाल पूछूंगा जब आप ये पूरे वीडियो देख लेंगे, ये पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखेगा, फिर मैं पूछूंगा सवाल। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं पूछूंगा सवाल और आप दोगे जवाब, और फिर आएगा मजा कि आपको मिलेंगे प्राइजेस। तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए, अगर प्राइजेस चाहिए आपको तो। मैं बस इतना बोलूंगा, एंजॉय करो दिवाली, एंजॉय करो इस दिवाली धमाके के साथ, एंजॉय करो फैमिली के साथ, एंजॉय करो। पापा मम्मी को ये नहीं पढ़ाना, खुद पढ़ना है और जिंदगी भर इसका फायदा लेना है। थैंक यू सो मच। जय माता दी जी। जय माता दी। एंड मूविंग ऑन फर्दर इनटू द एलओडीआर पेज नंबर 30, एंड दिस इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आप लोगों ने कंपनी लॉ में जब पढ़ा था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन नंबर याद है क्या था? सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। और उसके साथ अगर आपको परचांस याद हो, कंपनी लॉ में डेफिनेशन पड़ी थी रिलेटेड पार्टी की, सेक्शन 2 क्लॉज 76। सेक्शन 2 क्लॉज 76 इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। और वेल सेक्शन 2 क्लॉज 77 इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव बोले तो रिश्तेदार, वो जो सात रिश्तेदार हैं, लेकिन रिलेटेड पार्टी इज एक्चुअली मच मोर देन सिंपली रिलेटिव, रिलेटिव से कहीं ज़्यादा है रिलेटेड पार्टी के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं प्रज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सेक्शन 2 क्लॉज 76 ऑफ कंपनीज एक्ट याद होगा, और सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ रिलेटिव वो भी याद ही होना चाहिए, तो वी कैन एक्चुअली मूव ऑन फर्दर। तो
लेकिन एक झलक आपको अभी ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ पर. तो वो जो आपने पढ़ा था, वेल वो कमनीज एक्ट था. दैट वाज तीन चीज़ें आपने पढ़ी थी, सेक्शन 2 क्लॉज 76, सेक्शन 2 क्लॉज 77 एंड सेक्शन 2 क्लॉज सेक्शन 188. या एक काम करता हूँ, आपको कमनीज एक्ट एक स्लाइड दिखा देता हूँ कि कमनीज एक्ट में इन कैप्सुलेशन फॉर्म वो क्या होता था, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि बातें हवा हवा में ना हो. तो कमनीज एक्ट की तरफ एक बार आपको वापस ले जाता हूँ, और एक बार वापस ले जाकर कुछ कमनीज एक्ट में दिखाता हूँ आपको. देन आई विल ब्रिंग यू बैक ओवर हेयर. जस्ट अ सेक. तो कमनीज एक्ट को समअप करें तो एक स्लाइड के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट, वेल पूरा कॉन्सेप्ट ये तो नहीं बोलूँगा ख़त्म हो जाता है, हाँ वो समरी फॉर्म में नज़र आ जाता है. ये ज़रूर है कि वेल शुरू यहाँ से करते हैं हम जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं. तो कमनीज एक्ट में अब वेल बहुत बहुत ध्यान से पढ़िएगा. वेयर एनी वन ऑफ द सेवन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, जिनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस बोला जाता है. वेयर एनी वन ऑफ द सेवन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस कवर्ड इन सेक्शन 188 सबसेक्शन 1. और वो सेवन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस में क्या है, सेल परचेज ऑफ गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टीज, यू अंडरस्टैंड दैट, सेल परचेज ऑफ गुड्स मटेरियल. फिर आता है दूसरा सेल परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज पे लेना, इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज पे देना, मे बी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो, लीज पे लेना लीज पे देना, वो आता है नंबर थ्री. नंबर फोर आता है सर्विसेज हायर करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, या तो सर्विसेज प्रोवाइड करना या तो सर्विसेज हायर करना. तो अभी तक चार क्या क्या हो गई हैं, सेल परचेज ऑफ गुड्स मटेरियल्स मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या हो गया, सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज, नंबर थ्री लीजिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज पे देना लीज पे लेना प्रॉपर्टी, लीज पे देना प्रॉपर्टी लीज पे लेना, नंबर फोर सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज या हायर करना, नंबर फोर. नंबर फाइव है ये जो आप चार काम अभी आपने चारों काम सुने, यही चारों काम करना लेकिन डायरेक्टली नहीं करना, विल इनडायरेक्टली थ्रू एजेंट करना. कंपनीज विल डीलिंग थ्रू एन एजेंट विद द रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी से कंपनी डील कर रही है. अगर अगर डायरेक्टली डील कर रही है तो वो पहले चार पॉइंट्स में आ गया. पांचवा पॉइंट क्या है, कंपनी यही के यही चारों काम कर रही है लेकिन इनडायरेक्टली कर रही है, थ्रू एजेंट कर रही है. नंबर फाइव दैट इज देयर. नंबर सिक्स इज ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, जो सबसे डेंजरस है, इंटरप्रिटेशंस में तोते उड़ जाते हैं उसमें, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट. नंबर सिक्स दैट इज, उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टर का ब्रदर है या डायरेक्टर का रिलेटिव है, रिलेटेड पार्टी है, उसको आपने कंपनी में कोई वेल मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, सेल्स मैनेजर बना दिया, फाइनेंस मैनेजर बना दिया, उसको आप एक सैलरी दे रहे हो. किसी को याद है परचांस वो सैलरी किस लिमिट से ऊपर जाती थी तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए होता था? नहीं 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 नहीं, सैलरी की क्या लिमिट थी, मंथली सैलरी, मंथली सैलरी की एक लिमिट होती थी, एक लिमिट के ऊपर सैलरी जाएगी तो फिर आपको शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए होगा. चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर जाएगी तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए. ये थ्रेश होल्ड लिमिट्स हैं, डिफाइंड हैं. खैर एनी हाउस, तो दैट इज सैलरी कितनी है, आपने डायरेक्टर के ब्रदर को कंपनी में अपॉइंट कर दी और सैलरी कितनी दे रहे हैं आप, 2.5 लाख रुपीज पर मंथ आप सैलरी दे रहे हैं. नाउ आई विल से, तो नाउ इन दैट केस विल, यहाँ पर किसी को लाइव चैट में भी आता हो तो प्लीज़ बता दिया करो, हाँ यू कैन ऑलवेज टेल ओवर हेयर एज वेल. तो आता हो तो, मतलब नहीं आता तो फिर तो बात ही खत्म हो गई. सो वेल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप वन पढ़े हुए बच्चे हैं ना, तो मतलब मैं थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए. छोटी छोटी चीज़ें वैसे भूल जाती है ज़्यादा. हाँ, और फिर एक और था कि वेल अंडरराइटिंग, सातवीं ट्रांजेक्शन है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, अंडरराइटिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. आपको मालूम है अंडरराइटर क्यों अपॉइंट होता है, वो पब्लिक इशू में शॉर्टफॉल होगा तो अंडरराइटर पिकअप कर लेगा और वेल पब्लिक इशू फेल होने से रोक लेगा. तो सात ट्रांजेक्शंस को क्या बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस बोला जाता है. तो अगर कंपनी, वेयर कंपनी इज डूइंग एनी सेवन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, एनी वन ऑफ द सेवन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस कवर्ड इन 188 सबसेक्शन 1 एंड इट इज प्रपोज टू बी एंटर्ड विद होम, वो सातों ट्रांजेक्शंस करनी है लेकिन करनी किसके साथ है, रिलेटेड पार्टी के साथ करनी है. किसी और के साथ करनी है तो दिक्कत नहीं है, वो सातों ट्रांजेक्शंस करनी है और किसके साथ करनी है, रिलेटेड पार्टी के साथ करनी है. जो रिलेटेड पार्टी कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 76 में, लंबी सी लिस्ट है, बहुत लंबी सी लिस्ट है जिसमें रिलेटेड पार्टीज बहुत सारी बता रखी हैं कि उनके साथ करनी है. तो उस ट्रांजेक्शन को कहा जाता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. एक तो वो ट्रांजेक्शन कौन सी वाली होनी चाहिए,
वो सेवन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन की लिस्ट में से होनी चाहिए। इस लिस्ट के बाहर से अगर आप कोई आठवीं एट्थ टाइप की कर रहे हो तो वो तो मानी नहीं जाएगी, चाहे आप रिलेटेड पार्टी के साथ कर लो, लेकिन उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो विल 188 सबसेक्शन 1 की लिस्ट में फॉल करती नहीं है। पहली बात समझ में आई? अगर आप कोई आठवीं ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो इन सातों ट्रांजेक्शन में नहीं है, चाहे आप रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हो, लेकिन उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना नहीं जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ये सातों ट्रांजेक्शन ही कर रहे हो लेकिन रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं कर रहे हो, यही सातों ट्रांजेक्शन कर रहे हो लेकिन रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं कर रहे हो, तो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होने के लिए पहला तो दो कंडीशंस क्या हैं कि वो एक तो वो ट्रांजेक्शन 188 सबसेक्शन 1 में फॉल होनी चाहिए, वो सातों ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होनी चाहिए। कंपनी इज डूइंग दैट ट्रांजेक्शन विद इट्स रिलेटेड पार्टी, वेल देन ओनली विल इट इज़ कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एक चीज़ और जो ध्यान से देखने वाली बात है, लॉ मेकर कहता है रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी, लॉ मेकर ये नहीं कहता रिलेटेड पार्टी ऑफ डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी ऑफ KMP और रिलेटेड पार्टी ऑफ एनी अदर पर्सन। क्या बोला? रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी की रिलेटेड पार्टी। और जो डेफिनेशन भी है सेक्शन 2 क्लॉज 76 में, वो डेफिनेशन यही है, रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन का जो टाइटल है वो क्या है? रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है उस कंपनी की रिलेटेड पार्टी है, और कंपनी अपनी खुद की रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन कर रही है, देन यू आर ट्रैप्ड इन सेक्शन 188। देन 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 द टू अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड, और दो ही अप्रूवल चाहिए। पहला अप्रूवल क्या चाहिए? बोर्ड अप्रूवल चाहिए बोर्ड मीटिंग में, और दूसरा अप्रूवल क्या चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए इफ थ्रेश होल्ड लिमिट इज रीच्ड। वो थ्रेश होल्ड लिमिट इज रीच्ड और थ्रेश होल्ड लिमिट इज क्रॉस्ड, तीन चार केसेस में कहते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट टच हो गई, और एक केस में कहते हैं क्रॉस हो गई। तो बेसिकली दो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, और दो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पहला तो बोर्ड अप्रूवल तो हमेशा ही चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, बोर्ड मीटिंग अप्रूवल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ये तो हमेशा चाहिए। दूसरा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स अप्रूवल सिर्फ तभी चाहिए अगर थ्रेश होल्ड लिमिट टच हो जाए तो। अब वो थ्रेश होल्ड लिमिट इन्होंने ना अलग अलग डिफाइन कर रखी है, सेल परचेज ऑफ गुड्स के लिए 10% और मोर ऑफ द एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी, सेल परचेज ऑफ द इमुअल प्रॉपर्टी के लिए भी 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, लीजिंग के लिए 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी, वेल अवेलिंग द सर्विसेज के लिए 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। ये थ्रेश होल्ड लिमिट है, अगर ये थ्रेश होल्ड लिमिट टच हो जाए, क्या लिखा है? 10% और मोर, 10% और मोर, 10% और मोर, एग्जैक्ट 10% भी हो जाए तो भी, और उससे ज़्यादा हो जाए तो भी, तो वेल शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए। ऊपर क्या लिखा है? सबसे ऊपर क्या लिखा है? प्रायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए, ट्रांजेक्शन होने से पहले। ट्रांजेक्शन होने के बाद तो अप्रूवल मांगने का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। तो जब एग्रीमेंट साइन होना है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है उससे पहले चाहिए, अगर ये थ्रेश होल्ड क्राइटेरियाज टच हो जाए तो। सैलरी के बारे में बोलते हैं वो टच नहीं हो जाए, जंप हो जाए, क्रॉस हो जाए, 2.5 लाख रुपए पर मंथ की जो स्टैंडर्ड है वो जंप हो जाए तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए। अंडर राइटिंग कमीशन के लिए भी बोलते हैं मोर देन 1% क्रॉस हो जाए, 1% की लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर यू नीड द शेयर होल्डर्स अप्रूवल, वरना नहीं चाहिए आपको। तो चार केसेज में कह रहे हैं टच हो जाए, और दो केसेज में कह रहे हैं लिमिट जंप हो जाए तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए। देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो अभी कहानी ये है कि सो वेल वी आर लुकिंग फॉर दैट टू टू आस्पेक्ट्स, और लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। पहला बोर्ड अप्रूवल ऑलवेज, और शेयर होल्डर्स अप्रूवल इफ़ द थ्रेश होल्ड इज टच्ड, और थ्रेश होल्ड इज क्या बोलूँ, रीच्ड और एक्सीडेड। चार केसेज में रीच्ड और दो केसेज में एक्सीडेड, दो केसेस में जब एक्सीड होता। तो देन गोइंग ऑन फर्दर, साथ में क्या लिखा है? इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव द ऑडिट कमिटी, अगर कंपनी आपकी ऐसी कंपनी है जिसमें ऑडिट कमिटी है, मतलब 177 में फॉल करती है, देन द ऑडिट कमिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ऑडिट कमिटी सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें ऑडिट कमिटी होना मैंडेटरी है, जिसमें ऑडिट कमिटी होना कंपलसरी है, तो फिर ऑडिट कमिटी अप्रूवल भी चाहिए। तो क्या मैं ये कहूँगी कि ये थर्ड अप्रूवल हो गया, ये आपका थर्ड अप्रूवल हो गया। फर्स्ट अप्रूवल बोर्ड अप्रूवल, सेकंड अप्रूवल शेयर होल्डर्स अप्रूवल अगर थ्रेश होल्ड में टच हो रही है या जंप हो रही है, और थर्ड अप्रूवल ऑडिट कमेटी अप्रूवल। आपको क्या लगता है तीनों में से सबसे पहला अप्रूवल कौन सा होगा? सबसे पहले ऑडिट कमेटी अप्रूवल आएगा, उसके बाद बोर्ड अप्रूवल। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठा लोगे, ऑडिट कमेटी में भी तो कौन बैठा है? तीन चार डायरेक्टर ही तो बैठे हैं। तो सबसे पहले तो ऑडिट कमेटी अप्रूवल आएगा, फिर बोर्ड अप्रूवल जब 15 डायरेक्टर को बुलाओगे बिठाओगे, उसके बाद लास्ट में
shareholders' approval. Got that? Then we are saying, but then there are few exceptions. There are some exceptions in which neither the board approval is required nor OR is required. Hain kuch exceptions. Bhai arm's length basis pe kar rahe hain aur ordinary course of business mein ho rahi hai. Transaction is in the ordinary course of business on the arm's length basis. To na to board approval chahiye na to shareholders approval chahiye. Kuch exceptions aise hain jahan par board approval to chahiye lekin ordinary resolution nahi chahiye. Mainly to woh hai jab aap threshold limit ke niche ho to, ya fir agar holding company apni होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है चाहे थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो भी बोर्ड अप्रूवल चाहिए लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं चाहिए क्योंकि होल्डिंग कंपनी ट्रांजेक्शन किसके साथ कर रही है अपनी खुद की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के साथ और होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता घूम फिर कर अपने पास ही आना है वापस होल्डिंग कंपनी के पास अगर होली ओन्ड क्योंकि होली ओन्ड सब्सिडरी में कोई दूसरा शेयर होल्डर तो है नहीं सो विल आल से तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं फिर वो थोड़ा सा हम विल बेस जो बनाना चाह रहे थे वो बन गया और ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी आपने देख ही लिए अब एक एक बैठ कर मैं एनालिसिस तो नहीं करूँगा आपके साथ बट यू हैव सीन द थ्रेशोल्ड लिमिट्स कहीं एनुअल टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है परसेंटेज और कहीं नेटवर्थ के ऊपर बेस्ड है बस वो थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं हम और ये कहाँ दिया गया है सब रूल 15 सब रूल 3 ऑफ विल दैट इज़ एम बी पी रूल्स जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट में मीटिंग्स एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूल्स में दिया गया अब ये सेक्शन 2 क्लॉज 76 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और ये क्या है ऊपर टाइटल क्या है सिर्फ टाइटल पढ़ लो आप रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू अ कंपनी और कितनी रिलेटेड पार्टी से बता रहे हैं 1, 2, 8 तो ये हो गई फिर 8 के अंदर 8A, 8B, 8C उसके बाद नंबर 9 और फिर कह रहे हैं रूल 3 में चाहिए उसमें कुछ और भी बता रखे हैं 2-3 और भी बताए हुए हैं तो मतलब लिस्ट लंबी चली जाती है और अगर मैं 8A, 8B, 8C को भी अलग अलग पॉइंट्स मान लूँ तो नाउ यू कैन से वेल काइंड ऑफ 7+3, 10 और यहाँ पर दो पॉइंट और हैं 10+2, 12 मतलब 12 पार्टीज़ हो जाती हैं करते कराते आपके पास और उसको उसके डायग्राम्स बनाते हैं ना एक एक पार्टी के खोल खोल के एक एक चीज़ पर ना डायग्राम बनता है तो वो डायग्राम्स तो अभी सेंस नहीं है कोई और आपके लिए रेलिवेंट भी नहीं है अभी सिक्योरिटी लॉ में तो नो रेलिवेंस ऑफ दैट लेकिन ये क्यों रेलिवेंट है फिर भी ये क्यों रेलिवेंट है सेबी कहता है एलओडीआर के अंदर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के अंदर भी रिलेटेड पार्टी की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये सेम है तो सेबी एलओडीआर के अंदर इट इज़ सेम इन एलओडीआर तो अब मैं तो प्रज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आपको ऑलरेडी पता है आपको ऑलरेडी पता है बिकॉज दिस इज सेम इन एल ओ डी आर ऑल्सो और ये कंपनीज एक्ट से सेबी ने कॉपी कर लिया है फिर उसके आगे वेल डायग्राम्स तो बहुत सारे हैं बट दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर यू ये सब वो कंपनीज एक्ट में हम जब करते हैं तो ये रिलेटेड पार्टी का जंगल बनाते हैं फिर उसके अंदर और ये जंगल फिर डिस्कस करते हैं इसके अंदर बाल की खाल निकालते हैं डिस्कशन काफ़ी रहता है ये रिलेटिव्स हैं आपको पता ही होगा दीज आर द 7 रिलेटिव्स फादर मदर पता है ना सन डॉटर सन्स वाइफ डॉटर्स हस्बैंड सिस्टर ब्रदर स्पाउस ये आप खुद हो आई मीन्स इंडिविजुअल सो दैट इज़ हाउ द रिलेटिव्स द डेफिनेशन इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट ओवर देयर सो विल आई जस्ट मूव ऑन फ्रॉम हेयर एंड अब आपको थोड़ा अलग अलग सिचुएशंस एनालाइज ये दिखाने का कुछ रीज़न था क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं तो सेबी ने रिलेटेड पार्टी की जो न्यू डेफिनेशन दी है 1 अप्रैल 2022 अब जो आप पढ़ रहे हो वो सेबी ने कब दिया था 1 अप्रैल 2022 को दिया था तो जून 2022 तक के एग्ज़ाम के लिए तो एप्लीकेबल था नहीं नाउ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2022 एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल है नाउ इट इज़ एप्लीकेबल ओवर हेयर या फ्यूचर के लिए रहेगा तो उसमें जो सेबी ने डिफाइन किया रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज ZB रिलेटेड पार्टी मीन्स अ रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 76 तो अब यहाँ पर अच्छा एक बार झलक देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन है पहले रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की एक डेफिनेशन है जो सेबी ने दी हुई है उसके बाद सेबी ने आगे रेगुलेशन 23 दिया हुआ है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए आगे रेगुलेशन 23 और दिया हुआ है और ये भी कब आया 1 अप्रैल 2022 को आया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो हम बात कर रहे हैं अब यहाँ सिर्फ ध्यान से पढ़ते चले जाइएगा रिलेटेड पार्टी मीन्स अ रिलेटेड पार्टी रिलेटेड पार्टी मीन्स अ रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन
सेक्शन 2 क्लॉज 76, तो पहले तो वो 9 कैटेगरीज हो गई जो जिसको आप रिलेटेड पार्टी बोल रहे थे, और अंडर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेल वी आर सेइंग. तो कहते हैं रिलेटेड पार्टी दो जगह रेफर कर लो, एक तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 76 उठा लो और दूसरा जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रिलेटेड पार्टी डिफाइंड है वो भी देख लो. वो सारे के सारे क्या हैं? रिलेटेड पार्टी हैं. प्रोवाइडेड दैट अब ध्यान से पढ़िएगा, ये जो नीचे लोग दिए गए हैं ए बी वन बी टू, दे शेल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी. इन सबको भी रिलेटेड पार्टी ज़बरदस्ती मान लिया जाएगा, ये सारे रिलेटेड पार्टी ज़बरदस्ती मान लिए जाएंगे. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन और एंटिटी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द प्रमोटर और द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द लिस्टेड कंपनी, एनी पर्सन हु इज प्रमोटर और एनी एंटिटी, वेल मे बी नॉट अ नेचुरल पर्सन, मे बी आर्टिफिशियल पर्सन. तो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है. फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द प्रमोटर, प्रमोटर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड कंपनी और द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. और जैसे हमने पहले भी बात की थी, वेल जैसे एल आई सी इज प्रमोटर ऑफ एल आई सी हाउसिंग फिनेंस, तो कैन वी से एल आई सी भी रिलेटेड पार्टी है फॉर द एल आई सी हाउसिंग फिनेंस, वेल दैट इज देयर. और ऐसे पी एन बी हाउसिंग फिनेंस लिमिटेड के ऊपर पी एन बी है, दैट इज देयर. तो क्या हम बोल सकते हैं प्रमोटर है? टाटा सन्स इज प्रमोटर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ओवर देयर, तो क्या वो भी इसमें आ जाएंगे? येस. सो एनी पर्सन एनी एंटिटी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द प्रमोटर और द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, वो रिलेटेड पार्टी है. मतलब सीधे शब्दों में बोले तो प्रमोटर इज रिलेटेड पार्टी, द प्रमोटर इज रिलेटेड पार्टी, एंड एनी पर्सन हु इज पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप इज रिलेटेड पार्टी ऑफ द लिस्टेड कंपनी. पॉइंट बी, एनी पर्सन और एंटिटी होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 20% और मोर देन 20%, 20% और मोर देन 20% और ऑफ 10% और मोर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2023. तो अभी ये 20% और मोर वाला क्राइटेरिया कब से लेकर कब तक चलेगा? 1st April 2022 टू 31st March 2023 तक के लिए. तो हम बोल रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में एनी पर्सन एनी एंटिटी हु इज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स 20% इक्विटी शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी, उसको भी रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा. और आने वाले टाइम में ये क्राइटेरिया 10% हो जाएगा. 1st April 2023 के बाद क्या स्ट्रिक्टनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी? स्ट्रिक्टनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो एनी पर्सन हु इज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स, और फोकस सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे. अच्छा, पेड अप कैपिटल देख रहे हैं या सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख रहे हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. द विल हु इज होल्डिंग 20% इक्विटी शेयर्स और मोर विल बी कंसीडर्ड एज रिलेटेड पार्टी इन द लिस्ट एंटिटी आइदर डायरेक्टली और द बेनिफिशियल इंटरेस्ट बेसिस ऑन अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट बेसिस एज अंडर सेक्शन 89 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सेक्शन 89 में वो आपको शायद मालूम होगा, वो एक रजिस्टर्ड ओनर होता है, एक बेनिफिशियल ओनर होता है. रजिस्टर्ड ओनर को भी बताना पड़ता है कि मैं रजिस्टर्ड ओनर हूँ, मेरे पीछे छुपा हुआ बेनिफिशियल ओनर कोई और है. और बेनिफिशियल ओनर को सामने आकर बताना पड़ता है कि वो जो आपका रजिस्टर्ड ओनर दिखता है ना आपके वेल रजिस्टर मेंबर में, वो सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर है, रजिस्टर्ड मेंबर है, उसके पीछे छुपा हुआ बेनिफिशियल ओनर मैं हूँ, उसको भी आकर बताना पड़ता है. तो कंपनी को दोनों तरफ से पता चलता है कि जो कंपनी है दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है, रजिस्टर्ड ओनर से भी और बेनिफिशियल ओनर से भी. और जब कंपनी दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है तो अपने कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन करती है कि सो एंड सो 2 करोड़ या 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स के लिए रजिस्टर्ड मेंबर तो कोई और है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ बेनिफिशियल ओनर कोई और है जिसने कंपनी में एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है, वो पर्दे के पीछे है. और पर्दे का नाम रजिस्टर्ड मेंबर है और पर्दे के पीछे छुपा हुआ बेनिफिशियल ओनर है. फिर कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है आगे टू द आरओसी कि ये रजिस्टर्ड ओनर है 5 करोड़ इक्विटी शेयर का और इसके पीछे छुपा हुआ बेनिफिशियल ओनर ये है, मिस्टर एक्स इज रजिस्टर्ड ओनर एंड मिस्टर वाई इज एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर ऑफ दीज 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स. तो वो आरओसी को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी होता है सेक्शन 89 ऑफ द कंपनीज एक्ट में. तो कह रहे हैं कि हो सकता है जो 10% 20% होल्ड करने वाला है वो या तो डायरेक्टली होल्ड कर रहा हो या फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है और वो इनडायरेक्टली पीछे से होल्ड कर रहा है, तो भी मतलब उसको रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा. और ऐसा क्यों होता है? ये पर्दे के पीछे वाली बातें जो ज़्यादा होती हैं. अब हम नहीं चाहते कि स्ट्रेट अवे सामने कुछ दिखाई दे. अब कोई मिस्टर एक्स है इंडिया में
उसने एक कंपनी बनाई, वो इंडिया की ही एक कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, एक मिस्टर एक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक मिस्टर एक्स है, मुंबई में रहता है, मुंबई में रहता है और मुंबई में वो स्टॉक स्टॉक मार्केट में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी में 10% 20% खरीदना चाहता है, लेकिन दिखना नहीं चाहता कि मैंने खरीदा। तो मिस्टर एक्स क्या करता है, मॉरिशस में एक कंपनी बनाता है और उस मॉरिशस बेस्ड कंपनी में पैसा लगाता है, टैक्स हेवन कंट्री है, 0% इनकम टैक्स है, और फिर वो मॉरिशस में जो कंपनी बनी है उस कंपनी ने आगे पैसा लगाया, पनामा आइलैंड्स में कोई कंपनी बनाई उसमें पैसा लगा दिया, सबसी कंपनी बनाकर, फिर वो जो पनामा आइलैंड्स में कंपनी बनाई है उन्होंने कोई कंपनी बना ली केमैन आइलैंड्स में, नाउ केमैन आइलैंड्स इज अनदर जीरो टैक्स कंट्री, ये मतलब पैसिफिक ओशियन में छोटे छोटे, वेल क्या बोले, आइलैंड आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं और जीरो इनकम टैक्स होता है वहाँ पर, और सबकी उनकी इकॉनमी चलती सिर्फ वेल टूरिज्म से है, और उनके यहाँ पैसा आता है तो उनको अच्छा ही लगता है कि चलो कुछ पैसा आ गया। तो वेल इंडियन मिस्टर एक्स रहता कहाँ है, मुंबई में, पहली कंपनी कहाँ बनाई, मॉरिशस, मॉरिशस वाली कंपनी ने पैसा कहाँ लगाया, पनामा आइलैंड्स, पनामा आइलैंड से पैसा कहाँ लगाया, केमैन आइलैंड्स। अब वो केमैन आइलैंड्स वाली जो कंपनी है वो सारा पैसा उठाकर इन्वेस्ट करती है इंडियन कंपनी में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में लोगों का क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि कोई केमैन आइलैंड से कोई कंपनी आई है जिसने हमारे यहाँ पैसा लगाया है और फिर यहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, तो वो इंडियन कंपनी डिविडेंड किसको भेज रही है, जो केमैन आइलैंड्स में कंपनी है उसको डिविडेंड दे दिया, लेकिन वहाँ पर उनकी कंट्री में इनकम टैक्स जीरो है, हमारे यहाँ से टीडीएस कट के जाएगा, चलो मैं कहता हूँ काट काट के देंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद तो इनकम टैक्स जीरो है। फिर वो केमैन आइलैंड से पनामा आइलैंड चला गया, जब पनामा आइलैंड से वेल मॉरिशस आ गया, जो वो पैसा जितना पैसा जहाँ रखना है उतना उतना डिविडेंड दे दो हर जगह जगह, और इनकम टैक्स इज जीरो। और अब इस इंडियन व्यक्ति को ऐश मारने मॉरिशस जाना है या केमैन आइलैंड जाना है या कहीं भी जाना है तो वहीं से पैसा उठाता है, वहीं से बाहर के बाहर ऐश मारने के लिए निकल जाता है, गेटिंग दिस। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत हो रही हैं, मतलब हम बहुत छोटी चीज़ें करने वाले लोग तो बहुत बड़े स्केल पे ऑलरेडी कर रहे हैं, और 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की ट्रांजेक्शन्स घूम रही हैं, इस तरीके से होती हैं। तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई फिर वो जो पीछे जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, सबसे पीछे कौन है, जिस मिस्टर एक्स जो मुंबई में रहता है, अब वो मिस्टर एक्स जो मुंबई में रहता है वो बेनिफिशियल ओनर है, तो भाई हम तो उसको रिलेटेड पार्टी मानेंगे, ही विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी हु इज़ द ट्रू बेनिफिशियल ओनर। समझ रहे हैं वो सेबी कहाँ तक जा रहा है, सेबी कह रहा है सारी पर्दे हटा दो, आगे से सारे पर्दे हटा दो, जो सबसे पीछे बेनिफिशियल ओनर बैठा है वो रिलेटेड पार्टी है। देन गोइंग ऑन फर्दर, एट एनी टाइम, अच्छा सबसे खतरनाक शब्द जो मुझे लगते हैं यहाँ पर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमिडिएटली प्रसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमिडिएटली प्रसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये जो 20% वो होल्ड कर रहा था या 10% वो होल्ड कर रहा था, दैट वॉज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। ट्रांजेक्शन मैं आज कर रहा हूँ 22 अक्टूबर 2022 को, ट्रांजेक्शन मैं आज कर रहा हूँ, और होल्ड वो कब कर रहा था, पिछले साल, आज होल्ड भी नहीं कर रहा 10% 20%, आज वो मान लो आज वो होल्ड कर रहा है ओनली 7%, आज की तारीख में वो होल्ड कर रहा है 7%, कभी वो 22% होल्ड करता था पिछले साल, आज उसकी होल्डिंग कितनी हो गई है, 7% है। ट्रांजेक्शन आज हो रही है, हम कह रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आपने लास्ट ईयर किसी भी, एट एनी टाइम का मतलब ऑन वन डे, ऑन एनी वन डे, पूरा साल भी नहीं बोल रहे, 31 मार्च भी नहीं बोल रहे, ऑन एनी वन डे, सेबी कहता है पूरे साल में कोई एक दिन आया ड्यूरिंग होल फिनेंशियल ईयर, ऑन एनी वन डे ड्यूरिंग, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर, होल ऑफ द प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर, इतनी खतरनाक डेफिनेशन बनाई है सेबी ने ये, तो उसको रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। और अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो आप जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अप्रूवल के टाइम पे वेल वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है इफ़ यू आर अ रिलेटेड पार्टी, क्योंकि आप रिलेटेड पार्टी हो तो आपको जनरल मीटिंग में वोटिंग में अलाउड नहीं है, जब शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए और ट्रांजेक्शन लेवल एक बड़े लेवल का ट्रांजेक्शन है तो यू कांट वोट, यू आर नॉट अलाउड। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब मेरे हिसाब से ये वेरी वेरी डेंजरस बोलता हूँ मैं तो इसको, कि मतलब ये क्या क्या प्रोविजन बनाया सेबी ने, और इतना डेंजरस 1 अप्रैल 2022 से पहले नहीं था, ये 1 अप्रैल 2022 को ही ये डेंजरस प्रोविजन बनाया, एट एनी डे, ऑन एनी वन सिंगल डे इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब होल्ड कब किया था जी, लेट अस से पिछले साल जनवरी, 5 जनवरी 2022 को, मैं कहता हूँ 5 जनवरी 2022 को आपका
एक दिन के लिए बीच में 20% टच हुआ था, बस एक दिन के लिए। उससे पहले भी 19.5% था, उसके बाद भी 19.5% था, बीच में कोई एक दिन आपका लेवल टच हो गया था 20%, खत्म। और उसके बाद कभी दोबारा 20% टच हुआ भी नहीं। और आज 22 अक्टूबर 2022 को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो यू आर आ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है, कंपनीज एक्ट में तो कहते हैं आज ट्रांजेक्शन हो रही है तो क्राइटेरिया आज की तारीख में चेक करेंगे कि रिलेटेड पार्टी आज की तारीख में है या नहीं है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी जो कंपनीज एक्ट में कहते हैं। सेबी कहता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई एक दिन 20% टच हो गया था बस, उसके बाद वापस नीचे आ गया था, बट स्टिल यू आर अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अच्छा, फिर वो व्यक्ति कब बोलेगा कि मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन या रिलेटेड पार्टी कब नहीं रहा? मतलब अभी अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म होने दो, जब फाइनेंशियल ईयर 23-24 शुरू होगा फिर कहेगा कि यार 22-23 में ना मेरा लेवल कभी कभी एक बार भी टच नहीं हुआ था, बिलो 10% था। 23-24 में जाकर तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, 23-24 में जाकर तो क्या बोलना पड़ेगा, फिर तो क्राइटेरिया ये 10% वाला हो जाएगा। वेल दैट इज, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 पूरा साल मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब जब मेरा लेवल 10% टच हुआ हो, तो बिलो 10% था। अच्छा, फिर एक चीज़ बताओ, पूरा साल तो बिलो 10% रहा, मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पूरा साल उसका जो लेवल था वो बिलो 10% रहा, उसने कभी 10% टच नहीं किया, ठीक है। 1 अप्रैल, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 अप्रैल 2023 आ गया, क्या वो बोल सकता है आई एम नॉट आरपी एज पर दिस क्राइटेरिया, नॉट अ रिलेटेड पार्टी? 1 अप्रैल 2023 को बोल सकता है ना, अब तो नहीं हूँ क्योंकि बिलो 10% रहा। फिर क्या होता है, 5 अप्रैल 2023 को उसका लेवल बढ़कर एग्जैक्ट 10% टच हो जाता है, और फिर 6 अप्रैल 2023 को अब वो ये ट्रांजेक्शन कर रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो मानेंगे उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन? अब नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो बिलो 10% था, अब 10% मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रही है उस दिन 10% है लेकिन रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले साल में तो बिलो 10% था। अजीब सा, मतलब स्टूपिडिटी, बेवकूफी नहीं है, अजीब सी। कंपनी लॉ के हिसाब से, अभी कंपनी लॉ गया भाड़ में है, उसको छोड़ो साइड पे, एज पर सेबी एलओडीआर, वेल अभी तो नहीं है ना, अभी हम वो कंपनी लॉ के पेचे नहीं लड़ा रहे बीच में कि मेरी पतंग एलओडीआर की उड़ रही है, आपने बीच में कंपनी लॉ की लाकर आई बो, वो काम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ एलओडीआर पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन करूंगा तो बहुत सारी चीजें और डिफरेंट डिफरेंट उलझती जाएंगी, तो फिलहाल फोकसिंग ओनली ऑन सेबी। तो क्या सेबी ने यही सोचा था, क्या सेबी यही चाहता है? अजीब नहीं लग रहा, मतलब स्टूपिडिटी नहीं लग रही कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रही है उस दिन बंदा 10% होल्ड कर रहा है कंपनी में, और हम कह रहे हैं रिलेटेड पार्टी है ही नहीं क्योंकि पिछले साल तो बिलो 10% था, और जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है उस दिन 10% होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से सेबी को इसमें एक अमेंडमेंट और करनी चाहिए। 1 अप्रैल 2022 को सेबी क्या सोच कर लेकर आया, लेकिन एक तो ये एट एनी वन डे बड़ा डेंजरस है जो पहले नहीं था 1 अप्रैल 2022 से पहले, और ये दूसरी स्टूपिडिटी जो मुझे दिख रही है ये बड़ी डेंजरस लग रही है। सो नॉट, सो वेल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा फाइनली इस तरीके से, तो क्योंकि वो बंदा रिलेटेड पार्टी है ही नहीं। गॉट दिस? एक चीज और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सेबी ने बहुत दिमाग चलाया, लेकिन उससे ज्यादा, सेबी से ज्यादा दिमाग चलाने वाले लोग होंगे स्टॉक मार्केट में। अब एक सिचुएशन लेते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो एक कंपनी है टाइटन। अब टाइटन कंपनी किसकी फेवरेट कंपनी थी स्टॉक मार्केट में मालूम? राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी बनाने वाली कंपनी टाइटन। राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला बनाने वाली कंपनी टाइटन आज से। तो अगर मान लो, अब इसके अंदर अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, एक मिनट के लिए मान लेते हैं राकेश झुनझुनवाला जिंदा हैं, उनका भूत हमारे बीच में है, वो वापस आ गए हैं, और इधर रतन टाटा हैं, इधर राकेश झुनझुनवाला हैं, या राकेश झुनझुनवाला अपने नाम से थोड़े ना होल्ड करते थे, उन्होंने कंपनी बना रखी थी ना, वो कंपनी होल्ड करती थी बेसिकली। तो अब जो भी उनकी कंपनी का नाम था, अब उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला, अब राकेश झुनझुनवाला की जगह रेखा झुनझुनवाला कर लेते हैं, उनकी वाइफ
राकेश झुनझुनवाला अपने इंटरव्यूज में बहुत बोलते थे मैं रेखा का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो सब लोग सोचते थे वो रेखा एक्ट्रेस बॉलीवुड वाली, वो एक्चुअली अपनी वाइफ की बात कर रहे होते थे हमेशा। तो खैर एनी हाउस उनके इंटरव्यूज में कई बार होता था। देन आई विल से फिर जनरल पब्लिक। अब सोच के देखो, वेल रतन टाटा होल्डिंग, लेट से रतन टाटा तो वैसे ही क्या है, प्रमोटर हैं कंपनी के, और कंपनी के प्रमोटर हैं, और मान लो कि इनके पास कंपनी में 60% शेयर्स हैं। राकेश झुनझुनवाला कहने के लिए इन सबको नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है इन सबको, क्या नाम दिया जाएगा? नॉन प्रमोटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहता है कि नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग शैल बी 25%। देखा जाए तो इन लोगों की मिलकर 25% से ज़्यादा है, 40% है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग इज 60%, तो नॉन प्रमोटर होल्डिंग इज 40%। उस तरीके से तो सही है बिल्कुल। तो नॉन प्रमोटर जब इनको बोल रहे हैं, तो अब रेखा झुनझुनवाला, लेट अस से आज की तारीख में 2022 चल रहा है, तो वेल रेखा झुनझुनवाला होल्ड्स नियर अबाउट वेल 22% शेयर्स ओवर हेयर, जनरल पब्लिक होल्ड्स 18% शेयर्स। अब इस कंपनी में कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है, कंपनी में क्या हो रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है, और मान लीजिए कि टाइटन इज डूइंग सम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विद रेखा झुनझुनवाला इटसेल्फ, तो नाउ द पॉइंट इज की वोटिंग में और शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए। अब कौन लोग हैं जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? रेखा झुनझुनवाला वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, प्रमोटर्स को भी अलाउड नहीं है, तो फिर करेगा कौन? ये 18% लोग अप्रूवल देंगे कि ट्रांजेक्शन, जो इतने बड़े लेवल की ट्रांजेक्शन है, वो हो या ना हो। मतलब क्या सेबी ने इतनी दूर तक सोचा था कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनको वोटिंग से बाहर कर दो, और जो चुन्नू मुन्नू रिटेल है वो बताएंगे कि ट्रांजेक्शन होगी या नहीं होगी? क्या सेबी ऐसा ही चाहता है? वेल दिस इज, क्योंकि प्रमोटर्स को ज़बरदस्ती डीम्ड है ना, क्या लिखा है, डीम्ड प्रमोटर्स को ज़बरदस्ती हर बार रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा, प्रमोटर्स को डीम्ड है हर बार ज़बरदस्ती रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। और कंपनी लॉ में तो लॉ मेकर ने प्रमोटर वर्ड लिखा नहीं, तो ये तो वैसे सेबी ने बड़ा अच्छा किया कि प्रमोटर वर्ड लिखा है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी लॉ में तो लॉ मेकर ने बोला डायरेक्टर है, डायरेक्टर के रिलेटिव्स हैं, केएमपी है, केएमपी के रिलेटिव्स हैं, वो सब कुछ तो लिखा, लेकिन कंपनी लॉ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रमोटर लिखना ही भूल गया था। तो अब कम से कम यहाँ पर ये तो हो गया। जस्ट सेक, डोर खोल दो प्लीज। हाँ जी, सो विल प्रोवाइडेड फर्दर दैट, नीचे भी पढ़ लीजिएगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस डेफिनेशन शेल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड्स विच आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। चलो वो तो एक अलग चीज़ है, बट समझ में आ गई ना कहानी आपको, वट इज रिलेटेड पार्टी। अब उसके बाद फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन भी आपको दी गई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, और ये भी बड़ी डेंजरस सी डेफिनेशन है। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं कहता हूँ भूल जाओ कि कंपनी लॉ में वो सात ट्रांजेक्शन नाम की कोई चीज़ थी, गोली मार दो, तोप से उड़ा दो उन सातों ट्रांजेक्शन को, खत्म है ही नहीं वो, कंपनी लॉ गया भाड़ में, सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 की सातों ट्रांजेक्शंस गई भाड़ में, दिमाग में रखना भी नहीं, सोचना भी नहीं कि कंपनी लॉ में कोई, वेल 188 सब सेक्शन 1 में सात ट्रांजेक्शंस हमने कभी पढ़ी थी या सुनी थी, मतलब आज भी नहीं सुनी आपने, हालांकि सुबह मैंने सुना दी आपको, मतलब लेकिन ऐसे मान लो कि आपने कभी सुनी नहीं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब कंपनी लॉ वाली तो बिल्कुल बकवास है। अब जब ये पढ़ रहे हैं तो नो यूज़, नॉनसेंस हो गया वो बिल्कुल। Now the related party transactions over here as per SEBI. अब ये नई डेफिनेशन है related party transaction की, और ये किसने डिफाइन किया है? SEBI ने, और SEBI कह रहा है वो कंपनी लॉ गया भाड़ में, कंपनी लॉ गया भाड़ में। Now related party transaction means a transaction involving a transfer of number one resources, number two services, number three obligations. कोई भी transaction जिसमें resources transfer हो रहे हैं, कोई भी transaction जिसमें पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसमें सर्विसेज ट्रांसफ़र हो रही हैं, जिसमें ऑब्लिगेशंस ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन दूसरी पार्टी को दे रही है, एक पार्टी अपने रिसोर्सेज दूसरी पार्टी को दे रही है, दे रही है या ले रही है, दे रही है या ले रही है, सर्विसेज दे रहे हैं ले रहे हैं,
और रिसोर्सेज में आप कुछ भी सोच लो, एनी काइंड ऑफ थिंग जो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गई। अब हो सकता है वो जो आप बोल रहे थे ना कंपनी लॉ में सात ट्रांजेक्शन है, वो सातों तो इसमें फॉल करती ही हैं, लेकिन दुनिया की हर ट्रांजेक्शन इसमें फॉल कर जाएगी, मतलब उन सातों ट्रांजेक्शन के अलावा। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी पेटेंट, हमारी कंपनी के पास फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो हमारे पास पेटेंट है, यू अंडरस्टैंड दैट मेडिसिन पे पेटेंट होता है, तो हम किसी दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी को हम वो पेटेंट का लाइसेंस दे रहे हैं या हम असाइन कर रहे हैं और बदले में हम पैसा ले रहे हैं, तो क्या वो भी असाइनमेंट कर रहे हैं और रॉयल्टी ले रहे हैं, असाइन कर रहे हैं और बदले में रॉयल्टी ले रहे हैं, तो क्या उसमें भी रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं? अब सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट में वो है ही नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कंपनी लॉ में वो है ही नहीं, लेकिन सेबी कहता है हमारे लिए तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो जो क्योंकि रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आई होप गेटिंग दिस। नाउ द पॉइंट इज कि जो कंपनी लॉ में सातों ट्रांजेक्शन हैं वो तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन सेबी कह रहा है वो तो बहुत इत्तू सा है, हमारे पास तो इतना सारा समंदर है, ये सब जगह तो पैसा ही तो ट्रांसफ़र हो रहा है इधर से उधर, तो जहाँ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। अब आप सोच लो, मतलब कुछ भी दिमाग चला लो, कैसी भी ट्रांजेक्शन ऐसे घुमा लो वैसे घुमा लो, सेबी कह रहे हैं जितना सोचना है सोचो, लेकिन आप फंसोगे इसी में, क्योंकि तीन शब्दों में फंसा दिया आपको, कहाँ ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफ़र ऑफ ऑब्लिगेशंस, जहाँ ये हो रहा है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, और दुनिया की ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें ये नहीं होता, सभी में होता है। फ्री गिफ्ट भी करोगे तो भी ट्रांसफ़र होगा, जी हम तो गिफ्ट कर रहे हैं, हम तो सेल नहीं कर रहे, कंपनी लॉ में तो सेल लिखा है, इसलिए हमने तो उठाया कंपनी का बंगलो था, बंगलो गिफ्ट कर दिया टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, या उनकी वाइफ का बर्थडे था तो लो मैडम 2000 करोड़ का बंगलो गिफ्ट, तो रिसोर्स तो ट्रांसफ़र हो गया, हमने तो जी गिफ्ट किया है, वहाँ तो कंपनी लॉ में क्या लिखा है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, गिफ्ट तो लिखा नहीं है, तो वो तो इसलिए कंपनी लॉ से तो हम बच गए। तो सेबी कहता है ऐसे कैसे, मतलब पब्लिक इशू से पैसा उठाकर 2000 करोड़ का बंगलो खरीदा और आप कह रहे हो हमने तो गिफ्ट किया है, तो भाई ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्स तो हो गया। समझ में आ रहा है सेबी कितनी दूर तक सोच रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी लॉ वाला तो आप तोप लगाकर उड़ा दो, वो सात ट्रांजेक्शन्स वो है ही नहीं, यहाँ तो सेबी कह रहे हैं जो हम बोल रहे हैं ना वो चलेगी, कंपनी लॉ की तो चलेगी नहीं। और सेबी कैन मेक द लॉ मोर स्ट्रिक्ट, सेबी हैज़ द पावर टू मेक द लॉ मोर स्ट्रिक्ट, तो इस वो कर रहा है सेबी, बात समझ में आई? तो वो सातों ट्रांजेक्शन्स हैं या नहीं है, वो तो है ही आरपीटी, लेकिन उसके अलावा दुनिया की हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें रिसोर्सेज वेल सर्विसेज या ऑब्लिगेशंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हैं, दैट इज देयर, एंड इट इज़ बिटवीन होम, बिटवीन द लिस्टेड एंटिटी, बिटवीन द लिस्टेड एंटिटी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज ऑन वन हैंड, तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है, इट इज़ हैपनिंग बिटवीन द लिस्टेड एंटिटी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी ऑन वन हैंड। अब ध्यान से पढ़ना, एक तरफ कौन है, लिस्टेड एंटिटी है या लिस्टेड एंटिटी की कोई सब्सिडरी है, एज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और any of its subsidiary on the other hand, अब क्या बोल रहे हैं जी, एक तरफ listed entity है या उसकी subsidiaries हैं, और and second party कौन है, सामने वाली, या तो वो related party है या फिर वो related party of listed entity है या फिर related party की subsidiary है on the other hand। अभी well point two भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर point one का analysis, बाल की खाल interpretations, और point number two, ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है, एक तरफ लिस्टेड एंटिटी है या इसकी सब्सिडरीज हैं ऑन वन हैंड, ये एक पार्टी हो गई, ये तो ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट हुआ है, इसको तो मैं कहूँगा कॉपी और पेस्ट हुआ है, फर्स्ट पार्टी तो कॉपी पेस्ट है, दैट इज फर्स्ट पार्टी कौन है, या तो लिस्टेड एंटिटी या तो लिस्टेड एंटिटी की कोई सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनीज, ये तो फर्स्ट पार्टी हो गई, एंड के बाद अब सेकेंड पार्टी चेंज हो गई, एंड एनी अदर पर्सन और एनी एंटिटी ऑन द अदर हैंड द पर्पज एंड द इफेक्ट ऑफ विच इज टू अल्टीमेटली बेनिफिट द रिलेटेड बेनिफिट पार्टी और एनी सब्सिडरी ऑफ रिलेटेड पार्टी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो ऊपर वाला जो है ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 इमीडिएट इफेक्ट से आया, और जो नीचे वाला आया दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इफेक्टिव हुआ। अब इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात, पॉइंट नंबर वन में और पॉइंट नंबर टू में फर्क क्या है, पॉइंट नंबर वन में तो आमने सामने वाली ट्रांजेक्शन है, आमने सामने वाली क्या, एक तरफ लिस्टेड एंटिटी या लिस्टेड एंटिटी की सबसी कंपनी और दूसरी तरफ सामने रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी की सबसी कंपनी, और उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, सामने वाली पार्टी को
कंपनी ज़्यादा अच्छा, मतलब उनसे जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं कम वैल्यू का है, उनको पेमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यू हुई, और ये डबल पेमेंट दे रही है कंपनी, 3 टाइम्स 4 टाइम्स पेमेंट कर रही है, जिसमें प्रॉफिट दिया जा रहा है सामने वाली रिलेटेड पार्टी को या उसकी सबसी कंपनी को। ये तो डायरेक्ट हो गया 1-to-1 आमने सामने। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, वो जो रिलेटेड पार्टी है उन्होंने अपने आगे एक और पर्दा क्रिएट कर रखा है। रिलेटेड पार्टी ने मतलब अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट ना करवा कर वो बीच में कोई और पर्दा क्रिएट कर दिया, कोई और एंटिटी क्रिएट कर दी, उसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, लेकिन पीछे बैठकर बेनिफिट रिलेटेड पार्टी खुद खा रही है। तो वो बेनिफिशियल ओनर रिलेटेड पार्टी है या रिलेटेड पार्टी की सबसी कंपनी है, एज द केस मे बी। तो सेबी कह रहे हैं हम उसको भी पकड़ेंगे, लेकिन उसको ना अभी नहीं पकड़ेंगे, ये इनडायरेक्ट वाले को, उसको हम 1 साल बाद पकड़ेंगे। अब 1 अप्रैल 2022 को सेबी ने आपको अलार्म बेल बजा दी। क्या अलार्म बेल बजा दी 1 अप्रैल 2022 को, कि जो करना है इस 1 साल में कर लो, 31 मार्च 2023 से पहले। ये जो इनडायरेक्ट वाले काम जितने करने हैं कर लो, अभी तुम ऐश करो 1 साल, जितना भी घुमाना है घुमा लो 1 साल, 1 साल के बाद नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। मतलब क्या ये काम, क्या है? मेरे को ये समझ में नहीं आता, क्या ये भी 1 अप्रैल 2022 से नहीं होना चाहिए था? ये 1 साल क्यों दिया है सेमी ने यहाँ पर? मतलब ऐसा होता है ना, वो जो हम कई बार वो कार ड्राइव कर रहे होते हैं, बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं, आपने देखा ही होगा ऑरेंज लाइट हो जाती है, फिर रेड लाइट हो जाती है फाइनली, तो आपको ऑरेंज लाइट एक सिग्नल देती है कि भाई स्लो डाउन स्लो डाउन, और ये रेड होने वाली है, और मतलब गड़बड़ नहीं करना। पता है ना, पहले ग्रीन से ऑरेंज होती है, ऑरेंज से रेड हो जाती है, ऑरेंज होती है येलो होती है, जो भी कहते हो आप उसको, जो भी कहते हो, मतलब उसका एक पर्पज होता है कि स्लो डाउन हो जाओ, रेड होने वाली है। तो मतलब रेड लाइट कब आने वाली है जी, आपको फुल स्टॉप कब लगाने वाले हैं, 1 अप्रैल 2023 को। ऑरेंज लाइट आपको अभी दिखा दी 1 अप्रैल 2022 को की। अब ऑरेंज लाइट में मालूम है क्या होता है फिर, क्या हम ये सोचते हैं कि रेड होने वाली है भाई स्लो डाउन हो जाए या रुक जा, ये होता है स्पीड बढ़ा और फटाफट निकल जा, रेड होने से पहले पहले स्पीड बढ़ाकर निकल जाओ, यही होता है। जब इतनी छोटी सी चीज में ये होता है कि हम रुक नहीं पाते 5 सेकंड, तो यहाँ तो सेबी ने तो 1 साल दिया कि भाई जितना घुमाना है, जितना इनडायरेक्ट करना है कर लो, ऐश करो, दुनिया लूट लो इस 1 साल में, 1 अप्रैल 2022 के बाद हम आपको रोकेंगे। मतलब नॉनसेंस नहीं लग रहा आपको? ये भी मेरे हिसाब से कब रोकना चाहिए था सेबी को, ये 1 अप्रैल 2022 को, सेम डे जब आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हो आपको सेम डे उसी वक्त रोकना चाहिए। तो मेरे मेरे हिसाब से यहाँ 2022 होना चाहिए था और सेबी ने 2023 रखा है, तो गलत किया है। लेकिन चलो एक दिन आएगा, ऐसे समझो आज 1 अप्रैल 2023 आ गया है, आज ऐसे प्रिज्यूम कर लो कि 1 अप्रैल 2023 आ चुका है, तो ऐसे प्रिज्यूम कर लेते हैं कि अब ये भी मना है और ये भी मना है, बाकी मतलब टाइम मशीन में बैठकर आगे पीछे थोड़ा सा घूमना पड़ेगा और क्या। अच्छा, अडानी को क्या दिया है? मतलब आप ये कह रहे हो कि सैबी ने यहाँ पर अडानी का ध्यान रखा है? मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मतलब मैं तो रिकॉर्डिंग पे बैठा हूँ सामने, मतलब ऐसे कैसे बोल दूंगा मैं, पता नहीं यार, कुछ तो होएगा यार, कुछ तो गड़बड़ होएगी, कुछ तो फिशी है ना, दिख ही रहा है कुछ तो फिशी है। तो यहाँ मतलब हम लोग बहुत छोटी जनता हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अडानी का नाम लें बार बार। तो मैं रिकॉर्डिंग में बैठा हूँ सामने, ऊपर से तुम्हारी शक्ल तो कोई देख नहीं रहा, नाम बोल दूं तुम्हारा? चलो, मिस्टर एक्स वाई जेड ने मेरे को बोला कि अडानी के लिए किया गया। अब ये मिस्टर एक्स वाई जेड, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेकर आए हो? ये अच्छा न्यूज़ में ही आया था क्या? अच्छा, मैंने नहीं देखी, फिर मिस किया मैंने। चलो अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लो एक बार, पूरा पढ़ लेते हैं रिगार्डलेस। अभी अभी इसकी बाल की खाल निकालनी है, अभी मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ इसको, इसकी बाल की खाल निकलेगी अभी। और रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइस इज चार्ज, समझ में आ गया? फ्री गिफ्ट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइस इज चार्ज, प्राइस चार्ज हुआ या नहीं हुआ, या बंगलो जो है वो वेल एमडी की वाइफ को बर्थडे गिफ्ट दे दिया, 2000 करोड़ 5000 करोड़ का बंगलो, तो हो सकता है ना। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्राइस इज चार्ज और नॉट चार्ज, एंड अ ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी शेल बी कॉन्स्ट्रूड टू इंक्लूड अ सिंगल ट्रांजेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वन शॉट ट्रांजेक्शन हो सकता है ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन, सो एग्रीगेट ट्रांजेक्शन करके देख लेंगे कि भाई एग्रीगेट ट्रांजेक्शन जो है वो जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। हो सकता है कि वन शॉट करने का मूड हो आपका, और हो सकता है आप एक ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स में कर रहे हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। और इम्पॉर्टेंट क्या है, वेदर द प्राइस इज
चार्ज्ड और नॉट। तो फ्री गिफ्ट भी है तो भी क्या फ्री गिफ्ट को भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा? अगर बंगलो ट्रांसफर हो रहा है फ्री में तो माना ही जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। एंड द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी हैज़ टू इंक्लूड वन शॉट ट्रांजेक्शन ऑल्सो एंड द ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन ऑल्सो। अब जो मैं बोल रहा था बाल की खाल निकालते हैं, ऊपर चलते हैं वापस, ध्यान से देखिएगा आप जरा। अब एक तरफ फर्स्ट पार्टी और दूसरी तरफ सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, लिस्टेड अनलिस्टेड, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आपको नीचे भी कुछ पढ़वा दूँ ये मकड़ी का जाल देखने से पहले, कौन किसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है वो भी आपको पढ़वा देता हूँ, जस्ट अ सेक, क्योंकि लैंग्वेज में भी कुछ और पढ़ना भी बाकी है। अब लैंग्वेज को ही एक बार और पढ़ते हैं और उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सी फर्स्ट साइड पे कौन सी एंटिटी है? लिस्टेड एंटिटी और उसकी सब्सिडरी। ये सब्सिडरी क्या, लिस्टेड या अनलिस्टेड? हाँ जी, ये लिस्टेड सब्सिडी भी हो सकती है और ये अनलिस्टेड सब्सिडी भी हो सकती है। और क्या सब्सिडी की सब्सिडी सब्सिडी होती है? ए की सब्सिडी बी और बी की सब्सिडी सी, तो सी इज सब्सिडी ऑफ ए, ए इज होल्डिंग ऑफ सी। क्लियर है ना? दैट इज हियर मतलब अल्टीमेट होल्डिंग चेन सब्सिडरी सबको पता ही है। दूसरी तरफ भी बात हो रही है रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और रिलेटेड पार्टी की सब्सिडरी, कोई भी सब्सिडरी, मे बी लिस्टेड मे बी अनलिस्टेड सब्सिडी। हाँ, मे बी लिस्टेड सब्सिडी मे बी अनलिस्टेड सब्सिडी, वट एवर, दोनों तरफ से अलाउड है। और बीच में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये ट्रांजेक्शन सब जो हो रही हैं, अब मैं एक झलक आपको यहाँ पर भी दिखा दूँ, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी की बात हो रही है तो ये सब्सिडी कहाँ है, क्योंकि वो प्रमोटर तो अपनी जगह पर है। कंपनीज एक्ट की एक छोटी सी झलक आपको दिखा दूँ, क्योंकि कंपनीज एक्ट में भी उन्होंने, सेबी ने तो पहले बोला ये कि रिलेटेड पार्टी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट, रिलेटेड पार्टी की जो डेफिनेशन शुरू हुई सेबी ने, जो शुरू किया, तो सेबी ने सबसे पहले किसका नाम लिया? गो टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 76 में जो रिलेटेड पार्टीज हैं ये सारी, तो LODR के लिए भी रिलेटेड पार्टीज हैं। अब इसमें आप देखोगे बीच में प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं, इसमें रिलेटेड पार्टी में बीच में पब्लिक कंपनीज भी आती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स भी आती हैं, दिख रही है ना? तो ऊपर जब डायरेक्टर और KMP और फर्म की बात हो रही है ना, तो यहाँ तो ये तो कंपनी है नहीं ना, ये लोग कंपनी नहीं है। और अगर ये लोग कंपनी नहीं है तो इनकी तो सब्सिडी तो हो भी नहीं सकती ना। इन लोगों की सब्सिडी तो तभी हो सकती है ना जब सामने वाली पार्टी रिलेटेड पार्टी कोई कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, कंपनी हो तभी तो उसकी सब्सिडरी होगी। सो विल, और बाकी वो एक पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी है तो इन विच डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलॉन्ग विद द रिलेटिव्स मोर देन 2%, मतलब हमारी कंपनी का डायरेक्टर वो अदर कंपनी में भी, अदर पब्लिक कंपनी में भी डायरेक्टर है या वेल मैनेजर है, वेल मतलब हमारा डायरेक्टर मैनेजर वहाँ पर डायरेक्टर है और डायरेक्टर होने के साथ साथ वहाँ पर 2% होल्ड करता है, तो उसको रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा उस अदर पब्लिक कंपनी को, कि वो हमारी रिलेटेड पार्टी है अगर हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर उस अदर कंपनी में कितना होल्ड करता है, 2%। एक तो डायरेक्टर है और डायरेक्टर होने के साथ साथ, एंड क्योंकि बीच में लिखा है डायरेक्टर भी है और डायरेक्टर होने के साथ साथ होल्ड करता है 2% और मोर देन 2% अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स। तो इस तरीके से वो खैर कंपनीज उन्होंने डिफाइन कर रखी हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि एक हल्की सी झलक देख लें बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इनटू दिस। तो अब ट्रांजेक्शन्स कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं हम, एक तरफ फर्स्ट साइड कौन है हमारी, आवर लिस्टेड एंटिटी, दिस इज आवर लिस्टेड एंटिटी ए मान लीजिए, फिर हमारी लिस्टेड सबसी कंपनी बी, फिर हमारी अनलिस्टेड सबसी कंपनी सी, सामने कौन है, रिलेटेड पार्टी ऑफ ए या फिर रिलेटेड पार्टी ऑफ बी या फिर रिलेटेड पार्टी ऑफ सी। क्या ट्रांजेक्शन इनकी आपस में हो रही है या क्रॉस भी हो सकती है? क्या सिर्फ
आमने सामने ट्रांजेक्शन कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, या आपस में एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं? क्या ये अनलिस्टेड सबसे कंपनी भी हो सकती है? आंसर इज येस। तो अगर मैं कहूँ ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और वंस अगेन रिलेटेड पार्टी ऑफ डी ई एफ, तो भी क्या आपस में ट्रांजेक्शन्स कहीं भी हो सकती हैं? या फिर ये लिस्टेड कंपनी है वेल, और ये लिस्टेड सब्सिडरी है, ये भी लिस्टेड सब्सी है, ये भी लिस्टेड सब्सी है, तो भी क्या हो जाएगा? ऑन द फेस ऑफ इट येस, कहीं कुछ मना है ही नहीं। आप क्रिस क्रॉस समझ में आ रहे हैं ना, क्रिस क्रॉस, आप ट्रांजेक्शन किसी के साथ भी कर लो, आप ट्रांजेक्शन किसके साथ भी कर लो, और आपकी अनलिस्टेड सब्सी भी इनके साथ ट्रांजेक्शन कर रही है और इनको बेनिफिट पास ऑन कर रही है। मतलब हो सकता है ना कि यहां से पैसा घूम कर यहां जा रहा है और फिर यहां से पैसा घूम कर ऊपर जा रहा है, पॉसिबल है ये? पैसे को इस तरीके से घुमाया जा रहा है। तो आप कहीं से भी कहीं भी ट्रांजेक्शन कर लो, आप फंसोगे ही फंसोगे। सैबी ने जो जाल बुना है वो सबके लिए बुना है। ऐसी वो सिचुएशन टू ले लो, यहाँ पर बीच में अनलिस्टेड सब्सिडी डाल दो, तो भी फर्क नहीं पड़ता कोई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी केसेस में फंसने वाले हो, और लिस्टेड के नीचे लिस्टेड। अब कुछ चीज़ें और भी मैं अभी आगे और डिस्कस करूंगा जो अभी नहीं बता सकता इस मोमेंट पे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो निकल कर आएगा। और एक चीज़ आपको जो मालूम है वेल, ये लोग जो हैं लिस्टेड एंटिटी, एनी अदर सब्सी और सब्सी ऑफ दैट लिस्टेड एंटिटी, बीच में किसको डाला अब? एनी अदर पर्सन को, फॉर द पर्पज ऑफ और इफेक्ट ऑफ बेनिफिटिंग समबडी फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो अब यहाँ पर डेट क्या है? दैट इज 1 अप्रैल 2023। हाँ जी, हाँ जी, यू गॉट दैट? सो वेल, आई विल से, तो ये इसको सभी कहता है अभी नहीं पकड़ेंगे, कब पकड़ेंगे? 2023 में पकड़ेंगे। अभी आप ऐश करो। अब वो ऐश कोई कौन कर रहा है आजकल, ये तो अलग बात है, अभी तो दिवाली आई है, अभी तो ऐश का टाइम आया है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हैप्पी धनतेरस। तो क्या पता आज ही कुछ बैठकर कहीं कोई ट्रांजेक्शन साइन हो रही हो और धन ट्रांसफर हो रहा हो, धन की वर्षा हो रही हो कहीं पर, क्या पता। सो वेल, यू नेवर नो, यू नेवर नो। और आगे वो रेगुलेशन 6A वगैरह देखेंगे अभी, जस्ट वेट फॉर दैट, सब रेगुलेशन 6A। देन प्रोवाइडेड दैट, हाँ जी, प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग शेल नॉट बी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अब नीचे जो ट्रांजेक्शन दी गई हैं उनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। वेल, अब कौन सी ट्रांजेक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा? इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन द प्रेफरेंशियल बेसिस, ICDR रेगुलेशन में पढ़ा था आपने, मुझे बताना ही नहीं है। और कंपनी लॉ में सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी कहते हैं, और उसमें तो सेबी ने अपने फॉर्मूलाइज ही बताए हुए हैं ना, 90 ट्रेडिंग डेज या 10 ट्रेडिंग डेज प्राइस, याद है? 90 ट्रेडिंग डेज एवरेज प्राइस, याद है? या 10 ट्रेडिंग डेज एवरेज प्राइस, जो भी विच एवर इज हायर, हायर प्राइस के ऊपर ट्रांजेक्शन करनी होती है, तो वो एग्जम्प्ट है क्योंकि उस पर सेबी का कंट्रोल ऑलरेडी है उसमें प्राइसिंग। और फिर लॉक इन पीरियड होता है 18 मंथ्स, लॉक इन इज 18 मंथ्स, जिसको भी आप दे रहे हो उस 18 महीने के लिए अटकेगा भी तो सही ना, एक तो आप उसको फ्री में तो दे नहीं रहे हो, पैसे ले रहे हो, और ऊपर से 18 महीने का लॉक इन भी लगा रहे हो। देन फॉलोइंग कॉर्पोरेट एक्शंस, अब इनको भी नीचे जो दिया गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। एक्शंस बाय द लिस्टेड एंटिटी विच आर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल और यूनिफॉर्मली ऑफर टू ऑल शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग, सबको डिविडेंड मिल रहा है प्रपोर्शनेटली, बराबर बराबर सबको, जब सिर्फ डिवीजन ऑफ शेयर हुआ, कहने से स्प्लिट हुआ, शेयर्स स्प्लिट हुए, तो मतलब स्प्लिट के टाइम पे सब में बांटा गया, तो वेल वन शेयर इज ब्रोकन इनटू 10 शेयर्स ऑफ रुपी वन, वेल जैसे अभी वो बजाज फिनसर्व ने किया, बजाज फिनसर्व ने क्या किया, 1 share of 10 rupees ब्रोकन इनटू 10 shares ऑफ वेल 1 rupee each या 5 shares ऑफ 2 rupees each, जो भी उन्होंने किया, वट एवर दे डिड, या 1 rupee each जैसे भी किया, अच्छा मतलब वट एवर, तो कुल मिलाकर जो भी किया प्रपोर्शनेटली सबको दे रहे हैं ना, वेल स्प्लिट किया तो सबको प्रपोर्शनेटली, चाहे वो बड़ा शेयर होल्डर हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो रिटेल शेयर होल्डर हो, मिला तो सबको, और सेम प्रपोर्शन में मिलाना सबको, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आल से टाटा स्टील ने भी किया, टाटा स्टील ने भी किया। देन कंसोलिडेशन ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब उल्टा हो गया, 10 shares ऑफ रुपी 1 आर कंसोलिडेटेड इनटू 1 share of rupees 10, तो लोगों के डीमैट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स
कम हो गए फिर उसमें वन वे और द अदर वे, तो उसमें सबको प्रोपोर्शनेटली बराबर मिल रहा है. देन इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ राइट इशू और बोनस इशू, तो ये जहाँ जहाँ ये सारे काम हुए और प्रोपोर्शनेटली हुए, बायबैक ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस वाला. बायबैक कौन सा वाला? प्रोपोर्शनेट बेसिस वाला, जिसमें वो टेंडर सिस्टम होता है, टेंडर टेंडरिंग पीरियड होता है एंड ऑल दैट, वो वाला बायबैक. वो ओपन मार्केट स्टॉक एक्सचेंज वाला नहीं, बट टेंडरिंग जिसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस वाला था. तो अगर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही अगर ये सारे काम किए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. ये सारी कॉर्पोरेट एक्शंस हुई हैं और विच वर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल और ऑफर्ड, यूनिफॉर्मली ऑफर्ड, प्रोपोर्शनेटली प्रोपोर्शनेटली ऑफर्ड टू ऑल ऑल ऑल. तो इसमें तो किसी को कोई फेवर दिया ही नहीं गया. सो नो फेवर फॉर एनी वन, नो स्पेशल फेवर फॉर प्रमोटर्स और नो स्पेशल फेवर फॉर रिलेटेड पार्टीज. तो इसको फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा. क्लियर है? गॉट दिस? देन गोइंग ऑन फर्दर, और किस चीज को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा? एक्सेप्टेंस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स. एक्सेप्टेंस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कंपनी लॉ में क्या पढ़ा था आपने? मिनिमम टेन्योर, मैक्सिमम टेन्योर. मिनिमम टेन्योर 6 months, मैक्सिमम टेन्योर 36 months. बाय द मे बी, यहाँ तो हम कह रहे हैं मे बी बैंक्स, मे बी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. खैर यहाँ पर नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात नहीं हो रही है. कंपनी लॉ में जो आपने पढ़ा था वो तो नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए पढ़ा था. ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात हो रही है. और वेल अब बैंक्स बोलो तो अब मे बी दैट ICICI बैंक, मे बी HDFC बैंक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलो तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये लोग जब डिपॉजिट्स ले रहे हैं, अब इनकी बात हो रही है, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात नहीं हो रही है. एंड दे आर टेकिंग एट यूनिफॉर्मली विल एट द टर्म्स यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल ऑफर टू ऑल शेयर होल्डर्स और टू द पब्लिक. वंस अगेन, मतलब मेन पंगा क्या है, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सबसे यूनिफॉर्मली लिया जा रहा है और किसी को, वंस अगेन, नो स्पेशल फेवर टू द रिलेटेड पार्टी. सबके लिए सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है, फॉर द शेयर होल्डर्स, फॉर द पब्लिक. Subject to the disclosure of the same along with the disclosure of the related party transaction every 6 months. तो कह रहे हैं जी डिस्क्लोजर दे देना कि हमने हम यूनिफॉर्मली उठा रहे हैं, और डबल डिस्क्लोजर मांग रहे हैं आपसे. फर्स्ट डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी, वेल ये जो आप डिपॉजिट्स ले रहे हो उसका, और दूसरा डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो आप करते जाते हो उसका डिस्क्लोजर दे दो. So every 6 months to the stock exchange in the format specified by, well, by the SEBI. तो हम कहेंगे दो, और इसको क्या बोलूँगा, दो हाफ ईयरली डिस्क्लोजर हैं. ये दोनों क्या है? टू हाफ ईयरली डिस्क्लोजर्स. तो क्या ये हाफ ईयरली कंप्लाइंसेज में ऐड हो गया? तो ये आपके हाफ ईयरली कंप्लाइंसेज की टेबल में एक पॉइंट और ऐड हो गया, टू हाफ ईयरली कंप्लाइंसेज. ये दो डिस्क्लोजर देने, जितने डिपॉजिट्स लिए थे उसके बारे में बता दो, और जो RPTs पिछले 6 महीने में हुई हैं उसके बारे में बता दो. तो ये हाफ ईयरली बेसिस पे एवरी 6 months डिस्क्लोज करते चलो टू द स्टॉक एक्सचेंज. प्रोवाइडेड फर्दर दैट ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी फॉर द यूनिट्स इशूड बाय द म्यूचुअल फंड्स. वो एग्जाम ऊपर भी था रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में भी, और यहाँ पर भी फोकस शेयर्स के ऊपर है, अदर सिक्योरिटीज के ऊपर है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को छोड़ रखा है. अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनना, सिंगल ट्रांजेक्शन हो रही है या ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है, किसके साथ हो रही है? एक सिंगल रिलेटेड पार्टी के साथ या सारी रिलेटेड पार्टीज के साथ मिलाकर एग्रीगेट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन? ये सिंगल ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन तो चलो एक आरपी के साथ हो रही है, लेकिन जब बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है, हाँ जी, तो वो किसके साथ हो रही है? मतलब ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि आपके सामने जो है, जब हम बोल रहे हैं कि सामने वाली पार्टी क्या है, आर रिलेटेड पार्टी ऑफ लिस्टेड एंटिटी और सबसी ऑफ रिलेटेड पार्टी. तो ये जो भी हैं, मतलब इन सबके साथ जितनी 5 सबसी हैं, हमारी 5ों सबसी के साथ ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो पूरा ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स ले लें. हाँ जी, तो ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स पूरा ले लेना चाहिए. फिर एक ही पार्टी के साथ जितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो ले रहे हैं सारी की सारी, या अच्छा एक पार्टी के साथ, मुझे ग्रुप तो छोड़ो, वो एक पार्टी के साथ ना मल्टीपल टाइप की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं हमारी, तो भी क्या वो भी ग्रुप ट्रांजेक्शन्स बोल दें?
हम मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं, हम सर्विसेज की ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं एक ही पार्टी के साथ। हमारी लिस्टेड एंट्री सामने वाली एक ही रिलेटेड पार्टी के साथ तीन तरीके की ट्रांजेक्शन कर रही है, तो क्या अभी उसको भी ग्रुप बोलेंगे? मतलब ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है। सेम, हाँ, सेम टाइप की ट्रांजेक्शन रिपीट हो रही है तो भी ग्रुप है, और मल्टीपल टाइप की ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो भी ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स है। इंक्लूड्स अ सिंगल ट्रांजेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में हमने तीन पार्ट्स बना दिए। लैंड और बिल्डिंग वाला पार्ट भी है, मूवेबल प्रॉपर्टी वाला पार्ट भी है, और सर्विसेज वाला पार्ट भी है, तो चलेगा ना? कॉन्ट्रैक्ट एक है लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन्स तीन हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी वाली ट्रांजेक्शन भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली भी है, और जो भी है सर्विसेज वाली भी है। तो मतलब ये चीज़ आपने सही बोली कि मतलब बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो उसको हम ग्रुप मान लेंगे। दैट विल बी रिकन एज ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स बट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इन वन कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। देन गोइंग ऑन फर्दर, रेगुलेशन 23 में आ जाते हैं। अब रेगुलेशन 23 में, अब यहाँ पर इन्होंने ये जो मैं कहूँगा दिमाग चलाने के लिए अगर सही बताऊँ तो सब रेगुलेशन 1, सब रेगुलेशन 1A जो है और सब रेगुलेशन 2, ये शुरू वाले पार्ट ही है जो दिमाग चलाने वाला ज़्यादा है। आगे तो फिर चीज़ें सब रेगुलेशन 3 से थोड़ा सा सिंप्लीफाई होनी शुरू हो जाती हैं, आसान होनी शुरू हो जाती हैं, और लास्ट में 6, 7, 8, 9 में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो आपसे कुछ रेगुलर मिसलेनियस बातें हो रही हैं आखिरी में जाकर। जो ज़्यादा दिमाग चलाने वाला है वो शुरू वाला पार्ट है जिसमें बाल की खाल निकालने वाला है। द लिस्टेड एंटिटी शेल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑन द मेटीरियल वेल मेटीरियलिटी द लिस्टेड एंटिटी शेल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑन द मेटीरियलिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ये शेल लिखा है तो शेल का मतलब मैंडेटरी है। हर लिस्टेड कंपनी को अपने यहाँ एक मेटीरियलिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की, किस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को मेटीरियल कहें, किस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को मेटीरियल ना कहें। मेटीरियल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, हर किसी को ये पॉलिसी बनाना मैंडेटरी है। ऑन अ डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग क्लियर थ्रेश होल्ड लिमिट्स ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सच पॉलिसी शेल बी रिव्यूड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर्स एंड ऑल्सो अपडेटेड अकॉर्डिंगली। तो एक तो पॉलिसी बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें क्लियर थ्रेश होल्ड लिमिट ज़रूर लिख दीजिएगा, और वो क्लियर थ्रेश होल्ड लिमिट जो है दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एंड देन वी से उस पॉलिसी को टाइम टू टाइम आपने रिव्यू करना है, रिव्यूड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कितने टाइम में रिव्यू करना है? एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर्स, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है, घटती जा रही है, तो इसलिए 3 साल में रिव्यू करना ज़रूरी है। और फिर उसको अपडेट कीजिए। कितनी सारी चीज़ें हो गई। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है। वो पॉलिसी किस चीज़ को लेकर फॉर्मुलेट करनी है? पॉलिसी का नाम क्या है? पॉलिसी ऑन मेटीरियलिटी, 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 अब वो जो भी होती है मतलब करना है, मेरे लिए टंग ट्विस्टर सा हो गया। सो मेटीरियल मेटीरियल ट्रांजेक्शन है। सो एंड नंबर 3, इस पॉलिसी में क्या लिखना ज़रूरी है? थ्रेश होल्ड लिमिट्स बतानी ज़रूरी है। नंबर 4, वेल इस पॉलिसी को अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 5, इसको रिव्यू करना है, रिव्यू की ड्यूरेशन क्या है? 3 ईयर्स। और नंबर 6, 3 ईयर्स। नंबर 7, आई विल से इसको अपडेट करना है। मतलब एक पैराग्राफ के अंदर आपको 7 चीज़ें इंपॉर्टेंट दिमाग में सेट करनी है। तो मैं कहूँगा वो सही में समझ में आएगी। वट इज़ अ सेबी आस्किंग रिगार्डिंग दिस पॉलिसी ऑफ मटीरियलिटी। देन वी से प्रोवाइडेड दैट अ ट्रांजेक्शन विद अ रिलेटेड पार्टी शेल बी कंसिडर्ड एज मटीरियल, मटीरियल और सिग्निफिकेंट। मटीरियल मीन्स सिग्निफिकेंट। एक ट्रांजेक्शन को विल और शेल बी कंसिडर्ड, शेल का मतलब मैंडेटरी, ज़बरदस्ती मान लिया जाएगा। ऊपर आप अपनी पॉलिसी जब बनानी है बनाते रहना। सेबी कह रहे हैं हम तो ज़बरदस्ती एक ट्रांजेक्शन को मटीरियल ट्रांजेक्शन मान लेंगे विद अ रिलेटेड पार्टी। अब लेकिन फोकस किसके ऊपर है? अ रिलेटेड पार्टी। मतलब आपको 4 रिलेटेड पार्टीज जोड़कर एग्रीगेट करके नहीं देखना। अ रिलेटेड पार्टी का मतलब सिंगल रिलेटेड पार्टी के साथ आपको देखना है। सिंगल रिलेटेड पार्टी इज द क्राइटेरिया।
provided that a transaction with a related party shall be considered as material if the transactions to be entered into individually or taken together with the previous transactions will in one single financial year exceeds rupees 1000 crore 1000 crore ka criteria jump ho raha hai or 10% of the annual turnover consolidated turnover of the listed entity or consolidated ka matlab agar hamari listed company holding hai aur hamari bahut sari subsidies hain unko jod lo saath mein aap consolidated aur consolidated profit nahi bol rahe hain consolidated टर्नओवर बोल रहे हैं हो सकता है टर्नओवर में बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्रॉफिट लास्ट में काफी कम बचा है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रॉफिट काफी कम बचा है इंपॉर्टेंट क्या है होल्डिंग कंपनी मतलब लिस्टेड एंटिटी और उसकी जितनी सब्सिडरी कंपनीज हैं सबकी टर्नओवर कंसोलिडेटेड ग्रॉस टर्नओवर का 10% एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मतलब कैन आई से ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा लो उसके हिसाब से आप 10% कैलकुलेट कर लो विच एवर इज लोअर अब एक चीज बताइए क्या बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन एक्सीड्स कर रही हैं बट विच एवर इज लोअर क्राइटेरिया को जंप कर रहे हैं तो मान लिया जाए कि वो ट्रांजेक्शन मटेरियल ट्रांजेक्शन है अब इसको अगर मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा राइट साइड पे क्या आएगा लेफ्ट साइड पे सिंगल रिलेटेड पार्टी के साथ आपने एक ट्रांजेक्शन की या मल्टीपल ट्रांजेक्शन की इन द वन फाइनेंशियल ईयर होल फाइनेंशियल ईयर उसको कंपेयर क्या कर रहे हैं वो एक्सीड कर रहा है मोर देन 1000 करोर और मोर देन 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड एनुअल टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वेल विच एवर इज लोअर मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है लिख कर दिखाऊं तो मटेरियल ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा तो वेल सेबी कहता है अ ट्रांजेक्शन इज डीम्ड टू बी मटेरियल जो सेबी की लैंग्वेज थी वो किस तरीके से शुरू हुई थी अ ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी इज कंसिडर्ड एज मटेरियल ट्रांजेक्शन with a related party or you can say that is single related party is or compulsorily or shall kehna chahiye shall be considered to be material If और क्राइटेरिया क्या है इफ वन ट्रांजेक्शन और ऑल ट्रांजेक्शंस विद दैट पर्टिकुलर related party or I am simply writing RP bole to related party in the current financial year in the current financial year are greater than what rupees 1000 crores or 10% of annual consolidated turnover of the listed entity टेन परसेंट ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कॉमा ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और फिर इन दोनों में से कौन सा वाला देखना है आपको विच एवर इज लोअर
whichever is lower या whichever is less, जो भी आप कहना चाहो, एक ही बात है. So one transaction or all transactions with that particular related party in the current financial year is greater than 1000 crore or 10% of annual consolidated turnover of the previous financial year of listed entity, whichever is lower. हाँ जी, अब ये तो सेबी करे, इसको तो ज़बरदस्ती मान लिया जाएगा डीम्ड मटेरियल. इसको सेबी ने क्या बोला है, वेल ये ट्रांजेक्शन्स तो क्या है, दे आर डीम्ड मटेरियल. इसके अलावा अगर आप अपनी खुद की और की कोई पॉलिसी बनाना चाह रहे हो और बनाना चाह के रहे हो, बनानी है आपको, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ मटीरियलिटी, तो वो तो मैंडेटरी है ही है, दैट इज देयर. तो ये मटेरियल है अपनी जगह पर, ये तो सेबी कह रहा है, इसको तो आप आंखें बंद करके मटेरियल ट्रांजेक्शन मानोगे ही मानोगे. आप अपनी पॉलिसी बाद में बनाते रहना. 1 अप्रैल 2022 को सेबी क्या बोल रहे हैं, हमने तो 1 अप्रैल 2022 से, आज से, अभी से ये क्राइटेरिया मटेरियल मान लिया है. जब आप अपनी पॉलिसी बनाओगे एक महीने बाद, दो महीने बाद, आप बनाते रहना, अपनी वेबसाइट पर डालते रहना, लेकिन हमारी तरफ से तो ये क्राइटेरिया फॉर द टाइमिंग तो फिक्स हो गया, मतलब परमानेंटली हमने ये तो फिक्स कर ही दिया है. बाकी ऊपर से आप अपनी कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, आपका स्केल ऑफ बिजनेस वगैरह देखते हुए आप अपनी वेल पॉलिसी ऑफ मटेरियलिटी वो बाद में बना लेना. वो तो बनानी है और उसको 3 साल में रिव्यू भी करना है और वेबसाइट पर अपडेट करके भी डालना है. सो ऑल दैट विल बी रिक्वायर्ड. तो फिलहाल और अब यहाँ पर मेरे लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ऑल ट्रांजेक्शन्स विद दैट रिलेटेड, दैट पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी इन द फाइनेंशियल ईयर. अब ये ऑल ट्रांजेक्शन्स जो हैं, ये ऑल ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब, क्या वही, क्या ये ट्रांजेक्शन ऐसा हो सकता है कि इसमें से एक ट्रांजेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हुई है, एक ट्रांजेक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हुई है, एक ट्रांजेक्शन सर्विसेज को लेकर हुई है, क्या सारी जोड़ दूँ, और ये सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए हैं, क्या वो सारे सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर क्या सारे जोड़ दिए जाएं? सर्विसेज, मे बी कोई रॉयल्टी एग्रीमेंट हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सारे ट्रांजेक्शन जोड़ दी जाएं एक फाइनेंशियल ईयर में. और दूसरी चीज़, जब हम बोल रहे हैं दैट पर्टिकुलर वेल रिलेटेड पार्टी, दैट पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी, तो क्या वो ये बोलें कि सिंगल रिलेटेड पार्टी की ही बात हो रही है, फिर दूसरी रिलेटेड पार्टी को बीच में मिक्स नहीं करना आपने. दैट पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी मतलब विद सिंगल रिलेटेड पार्टी, विद द सिंगल रिलेटेड पार्टी. क्लियर है ना? आप दो रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन्स को ऐड नहीं करोगे जब आप मटेरियल क्राइटेरिया चेक करोगे, मटेरियल की थ्रेशोल्ड चेक करोगे. आप सिर्फ ऊपर भी क्या था, दैट इज इंपॉर्टेंट, आ रिलेटेड पार्टी, अ ट्रांजेक्शन विद अ रिलेटेड पार्टी शैल बी कंसिडर एज मटीरियल. तो ट्रांजेक्शन एक रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है, लेकिन ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी हो रही हैं और कई अलग अलग तरीके की हो रही हैं, और सेम टाइप की भी हो रही हैं तो भी है, लेकिन सारी की सारी हो किस में रही हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में हो रही हैं. और आप चेक कहाँ से कर रहे हो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से. अच्छा, अब एक चीज़ आपको और बता दूँ यहाँ पर, जब हमने ये पढ़ ही लिया है तो कंपनी लॉ जो अभी आप पीछे देख रहे थे, व्हेन यू आर लुकिंग एट द कंपनी लॉ, और वो आप कंपनी लॉ में भी तो देख रहे थे 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर देखा था ना अभी पीछे. एक तो वो कंसोलिडेटेड नहीं है, कंपनी लॉ वालों ने जो लिखा है वो अपना खुद का देख रहे हैं, सिर्फ 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर कंपनी का अपना खुद का है. एक तो कंसोलिडेटेड नहीं है, 10% नेटवर्थ है तो कंपनी का अपना खुद का है, जो भी क्राइटेरिया है, 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ नेटवर्थ, वो अपना खुद का है कंपनी का, एक चीज़. दूसरी चीज़, अगर मैं कहता हूँ कि हमारी यहाँ पर क्या होता है कंपनी लॉ में,
अगर मान लो वो रिलेटेड पार्टीज आपने अभी देखा 9, 10, 11, 12 रिलेटेड पार्टीज हैं, अगर ऑल 12 रिलेटेड पार्टीज के साथ जो हमारी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ट्रांजेक्शन्स विद ऑल 12 रिलेटेड पार्टीज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76, सबका एग्रीगेट इतना हो जाता है, तो आपको शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए। लेकिन ट्रांजेक्शन की नेचर फिर यहां पर एक ही है, क्या है, अगर गुड्स की बात हो रही है तो गुड्स की बात हो रही है, फिर इमोबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, इमोबल प्रॉपर्टी के लिए अलग है, वो सर्विसेज के लिए, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है, मतलब सिंगल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, लेकिन एग्रीगेट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ वन सिंगल टाइप इज जंपिंग दिस क्राइटेरिया, देन यू नीड शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो कंपनी लॉ में अलग अलग टाइप की ट्रांजेक्शन्स को ऐड नहीं करते, लेकिन सारी रिलेटेड पार्टीज को ऐड कर लेते हैं, और सेबी में उल्टा हो रहा है, रिलेटेड पार्टी सिर्फ एक लेते हैं लेकिन उसकी ट्रांजेक्शन्स सारी टाइप की लेते हैं, और कंपनी लॉ में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी, मतलब ट्रांजेक्शन एक ही टाइप की है लेकिन रिलेटेड पार्टीज सारी हैं। तो एग्रीगेट ट्रांजेक्शन्स, एग्रीगेट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स एग्रीगेट ऑफ वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस विद ऑल 12 रिलेटेड पार्टीज। यहाँ फर्क समझ में आ रहा है, कंपनी लॉ अलग ही चल रहा है, सेबी अलग ही चल रहा है, नहीं हमें हार्मोनाइज क्या करना है, बच्चों बच्चों की तरह एग्जाम में लिखाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी सेक्रेटरी ये भी देखता है, अगर अगर यहाँ फंसते हैं तो फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, और वहाँ फंसते हैं तो मटेरियल ट्रांजेक्शन है, वो मटेरियल ट्रांजेक्शन की जो एलओडीआर की रिक्वायरमेंट्स है वो भी कंप्लाई करनी है, तो कंप्लाई ये भी करना है, कंप्लाई वो भी करना है। अगर आप लिस्टेड कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो तो आपकी ज़िंदगी सुभान अल्लाह माशाल्लाह, और आप अनलिस्टेड कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो तो आपको सिर्फ, अनलिस्टेड कंपनी में हो तो आपको सिर्फ ये कंप्लाई करना है, और लिस्टेड कंपनी में हो तो ये भी कंप्लाई करना है, वो भी कंप्लाई करना है, और अभी तो मटेरियल ट्रांजेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंप्लाई करनी है, लेकिन समझ में आ रहा है ना कि ये कहानी अलग है, वो कहानी अलग है, गेटिंग दैट। और यहाँ तो आपका फोकस ही किस पे था, खाली गुड्स मटेरियल्स और क्या प्रॉपर्टी और लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और सर्विसेज, और हमें लग रहा था दुनिया इसमें खत्म हो गई। सेबी ने कहा कि नहीं, वो पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क का असाइनमेंट, वो रॉयल्टी एग्रीमेंट, वो भी उसमें भी तो ट्रांसफ़र होता है, और सेल क्यों, सिर्फ गिफ्ट पे भी तो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज होता है, मतलब कंपनी लॉ में तो लॉ मेकर वो सारी बातें लिखना भूल गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को तो याद ही नहीं है वो सारी चीज़ें भी लिखनी थी। तो सेबी ने कहा भाई मार्केट में तो फ्रॉड तो वहीं हो रहे हैं जहाँ पर कंपनी एक्ट में आपने लिखा नहीं है, तो उनको कैसे रोका जाएगा, गेटिंग दैट। तो सेबी क्या स्ट्रिक्ट हो गया है, एंड द आंसर इज यस, गॉट दैट। अब यहाँ पर वापस आ जाइए, देन सब रेगुलेशन 1A ओवर देयर, सब रेगुलेशन 1A नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अबव, ऊपर जो इतनी मेहनत की वो सब कुछ गई भाड़ में, नॉट विदस्टैंडिंग द, अब भाड़ में कुछ नहीं गया, सब काम ही आएगा, इफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द पेमेंट्स मेड टू द रिलेटेड पार्टी विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड यूजेज ब्रांड रॉयल्टी। अब ये कंपनी सेक्ट में नहीं है ये बातें, ब्रांड यूजेज ब्रांड रॉयल्टी तो वो सेक्शन 188 में आता ही नहीं है, सेबी ने पकड़ लिया है कि भाई होता क्या ना, एक होल्डिंग कंपनी अपना ब्रांड अपनी सबसी कंपनी को देती है यूज करने के लिए, और सबसी कंपनी उसकी रॉयल्टी देती है, होल्डिंग कंपनी जापान में है या कोरिया में है या इंग्लैंड में है या अमेरिका में है, उसकी इंडियन सब्सिडरी है, तो अमेरिकन होल्डिंग कंपनी ने अपनी इंडियन सबसी कंपनी को अपने ब्रांड्स, अपने ट्रेडमार्क जो इंटरनेशनली फेमस हैं वो दिए हैं यूज़ करो, लेकिन यूज़ कर रहे हो और उससे बिजनेस कर रहे हो पैसा कमा रहे हो तो रॉयल्टी दो, तो सेबी ने तो उसको भी पकड़ा है। तो एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ डन, अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द पेमेंट्स मेड टू द रिलेटेड पार्टी विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड यूजेज और ब्रांड रॉयल्टी शेल बी कंसिडर्ड एज मटीरियल इफ द ट्रांजेक्शन टू बी एंटर्ड इन टू द इन इंडिविजुअली, और इनको भी अब मटीरियल मान लिया जाएगा अगर ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल हो और टेकन टुगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजेक्शन इन इन वन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स अब 10%, नहीं एक्सीड्स
5% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the latest audited financial statement of previous financial year. तो ये तो simple हो गया ना. अब यहाँ पर तो एक तो मैं कहूँगा 10% की बजाय 5% हो गया, देखा जाए तो 10% की जगह 5% हो गया पहली चीज़ तो, क्योंकि अब मामला जो है ना वो गुड्स का नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं है, तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है. अब मामला सिर्फ और सिर्फ ब्रांड यूजेज का है, तो उसके लिए हम मटेरियल कंसिडरेशन या मटेरियल ट्रांजेक्शन कब माने, अगर अगर आप जो रॉयल्टी पे कर रहे हो, रॉयल्टी इज़ मोर देन 5% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, तो उसको मटेरियल ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा. और यहाँ तो 1000 करोड़ भी हटा दिया इन्होंने, दो दो क्राइटेरियाज भी करें कोई ज़रूरत नहीं है. सिंगल क्राइटेरिया, कौन सा सिंगल क्राइटेरिया, 5% वाला क्राइटेरिया है और मोर देन 5%, मोर देन 5% पे ही मटेरियल मान लिया जाएगा. तो इसको क्या बोले यहाँ पर, मटेरियलिटी क्राइटेरिया फॉर रॉयल्टी फॉर ब्रांड यूजेज, मटेरियलिटी क्राइटेरिया फॉर रॉयल्टी फॉर ब्रांड यूजेज. और ये क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 5% क्राइटेरिया रखा है ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर. इसके अंदर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई दो क्राइटेरियाज में कंपेयर नहीं करना. ऑफ द लिस्टेड कंपनी ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, सिंपल है. तो एक तो ये ऊपर हो गया था आपका, दैट इज जनरल क्राइटेरिया ऑफ मटेरियलिटी बाय सेबी, और नीचे हो गया मटेरियलिटी क्राइटेरिया फॉर ब्रांड यूजेज. क्लियर है ना, फर्क समझ में आ गया दोनों में. देन ऑल रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, नंबर वन सारी की सारी ट्रांजेक्शंस, नई ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, न्यू ट्रांजेक्शंस उसके लिए भी, और फिर सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन भी छोटी नहीं कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन भी बड़ी कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मटेरियल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. तो मतलब हर जगह ही सभी ने मटेरियल घुसा दिया वर्ड. अब मटेरियल का मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं है, मटेरियल का मतलब यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल. अब ये भी ना क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, छोटी वेल मॉडिफिकेशन और मटेरियल मॉडिफिकेशन वेल वो ऑडिट कमेटी, अब ऑडिट कमेटी डिफाइन करेगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन और मटेरियल मॉडिफिकेशन, और वो डिस्क्लोज करेंगे उसको. तो जब हम मटेरियल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑडिट कमेटी विल टेक अ कॉल ऑन दिस. तो जब आपकी कंपनी न्यू ट्रांजेक्शन कर रही है, न्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है, या फिर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कोई मटेरियल मॉडिफिकेशन कर रही है, छोटी मोटी मॉडिफिकेशन नहीं कर रही, मटेरियल मॉडिफिकेशन कर रही है, दैट शिल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी. तो क्या चाहिए अब आपको, प्रायर अप्रूवल ऑफ, और कंपनी लॉ में भी चाहिए होता है प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, वो तो ऑडिट कमेटी के सेक्शन 177 में लिखा हो, सबसेक्शन 4 क्लॉज 4. हाँ, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्लॉज 4, जहां पर सेम वहां, लेकिन वहां मटेरियल मॉडिफिकेशन नहीं लिखा, कंपनी लॉ में क्या लिखा है, एवरी मॉडिफिकेशन, एवरी मॉडिफिकेशन. तो वहाँ वहाँ जो लिखा है कंपनी लॉ में वो लिखा है न्यू ट्रांजेक्शन करनी है, न्यू आरपीटी करनी है तो भी अप्रूवल चाहिए, और कोई छोटी से छोटी मॉडिफिकेशन करनी है, स्मॉल मॉडिफिकेशन, तो भी ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए, जो कंपनी लॉ में लिखा हुआ है. सेबी कहता है कि हमारे यहाँ तो हम तब बोलते हैं जब कोई मटेरियल मॉडिफिकेशन हो रही है, बड़ी मॉडिफिकेशन हो रही है, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी इज रिक्वायर्ड. एंड प्रोवाइडेड दैट भी पढ़ लीजिएगा, well, और ऑडिट कमेटी किसकी, ऑब्वियसली लिस्टेड एंटिटी, देन प्रोवाइडेड दैट ओनली दोज मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी हु आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शेल अप्रूव द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. अब ये भी एक न्यू पॉइंट आ गया, क्या ऑडिट कमेटी में सिर्फ जो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे, बाकी लोग ट्रांजेक्शन को चुपचाप देखेंगे सिर्फ. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए होते हैं ऑडिट कमेटी में, 2/3,
कितने चाहिए होते हैं? 2/3 आईडी इन ऑडिट कमेटी कंपलसरी है. कौन सी रेगुलेशन में पढ़ा था? रेगुलेशन 18, रेगुलेशन 18 में पढ़ा था. तो जो बाकी जो 1/3 हैं, वो जो नॉन आईडी हैं, वो सिर्फ चुपचाप बैठेंगे वहाँ पर. सो ओनली दोज मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी हु आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शेल अप्रूव द रिलेटेड पार्टी. अब इसमें एक बहस का मतलब ये भी है, अप्रूव करने का मतलब वोटिंग में तो वही पार्टिसिपेट करेंगे जो आईडी हैं, लेकिन डिस्कशन में क्या नॉन आईडी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि अप्रूव तुम करो भाई, लेकिन हमारी सुन लो. ऐसा हो सकता है ना? नॉन आईडीज कह रहे हैं हमारी सुन तो लो, हमें बोलने तो दो कि हम क्या कहना चाहते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में. अप्रूव करने का काम तुम्हारा है, वोटिंग करने का काम तुम्हारा है, तुम अप्रूव करो डिसअप्रूव करो वो बात की बात है, लेकिन पहले सुन तो लो हमारी. तो सुनी तो जाएगी ना उनकी भी. देन वी आर सेइंग नेक्स्ट वन. तो अब मटेरियल मॉडिफिकेशन क्या है? ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शेल डिफाइन द मटेरियल मॉडिफिकेशन एंड डिस्क्लोज इट एज ए पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ मटेरियलिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड ऑन डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. अब मतलब ये मटेरियल मॉडिफिकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? ऑडिट कमेटी बताएगी, क्योंकि अप्रूवल भी तो ऑडिट कमेटी का ही चाहिए होता है. अब लेकिन अब दो बातें हो गई. ऊपर बात हो रही थी इन जनरल आरपीटी, कौन सी आरपीटी को मटेरियल माना जाएगा, वो क्राइटेरिया कौन फिक्स करेगा? वो क्राइटेरिया ऑडिट कमेटी फिक्स नहीं करेगी. वो क्राइटेरिया कौन फिक्स करेगा? अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मटेरियल आरपीटी का क्राइटेरिया कौन फिक्स करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लेकिन वेल आरपीटी में मटेरियल मॉडिफिकेशन हो रही है, इसका क्राइटेरिया कौन डिफाइन करेगा? ऑडिट कमेटी. और वो उस जो मेन पॉलिसी आपकी बन रही है, पॉलिसी ऑन मटेरियलिटी, उसमें दो क्राइटेरिया होंगे. बात समझ में आ रही है? एक तरफ मटेरियल ट्रांजेक्शन का क्राइटेरिया है, एक तरफ मटेरियल मॉडिफिकेशन का क्राइटेरिया है. दो मटेरियल चीज़ें होंगी, मटेरियल ट्रांजेक्शन और मटेरियल मॉडिफिकेशन. तो ये जो है ये मटेरियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये मटेरियल मॉडिफिकेशन है. और 1 अप्रैल 2022 से पहले स्मॉल मॉडिफिकेशन भी होती थी तो ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए होता था. 1 अप्रैल 2022 से पहले सेबी में लिखा होता, एलओडीआर पुरानी रेगुलेशन में लिखा था. अब सेबी क्या कह रहा है? छोटी मोटी मॉडिफिकेशन के लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ बड़ी बड़ी मॉडिफिकेशंस के लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए. मटेरियल मॉडिफिकेशंस के लिए मटेरियल मॉडिफिकेशन डिसाइडेड बाय ऑडिट कमेटी. देन नेक्स्ट वन पॉइंट बी. वैसे मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है यहाँ पर कि कंपनीज एक्ट कहता है ईच एंड एवरी स्मॉल मॉडिफिकेशन विल रिक्वायर द ऑडिट कमेटी अप्रूवल. अब तो फिर कंपनी लॉ में भी चेंज होना चाहिए. नहीं, फिर सेबी ने रिलैक्स कर दिया. ये तो सेबी कह रहे छोटी मॉडिफिकेशन है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं चाहिए. अल्टीमेटली एक दिन मान लो ऑडिट कमेटी ने मटेरियल बता दिया ना, मटेरियल मॉडिफिकेशन ये होती है, उस लेवल से नीचे की मॉडिफिकेशन है तो एज पर कंपनीज एक्ट ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए, एज पर सेबी नहीं चाहिए. तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना? फिर लिस्टेड कंपनी है तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा? फिर वो कंपनीज एक्ट फॉलो भी करना है और सेबी भी फॉलो करना है. और कंपनीज एक्ट तो कह रहा है कि छोटी सी भी मॉडिफिकेशन है, कोई भी मॉडिफिकेशन है, एनी मॉडिफिकेशन, तो वेल ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए. सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्लॉज 4 दैट इज देयर. देन आरपीटी, तो कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी समवेयर विद द कंपनीज एक्ट, जो मटेरियल वर्ड है. देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू विच द सब्सिडी. और आई एम होपिंग कि फिर कंपनीज एक्ट में भी लॉ मेकर अमेंडमेंट लेकर आए. वेल लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल आने में टाइम तो लगता है, बट वो आए फिर. देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू विच द सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी इज अ पार्टी बट लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ पार्टी शेल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इफ द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन वेदर एंटर्ड इन टू इंडिविजुअली और टेकन टूगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 10% ऑफ द एनुअल कंसॉलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. तो कह रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अब लिस्टेड एंटिटी ने नहीं की है, किसने की है? सबसी ऑफ लिस्टेड एंटिटी ने की है, लेकिन ट्रांजेक्शन का लेवल बड़ा है. और कितना बड़ा लेवल है? 10% ऑफ द एनुअल कंसॉलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. मतलब लिस्टेड एंटिटी की 5 सबसी हैं मान लो, और कंसॉलिडेटेड टर्नओवर देख रहे हो तो आप लिस्टेड एंटिटी की भी देख रहे हो और 5ों सबसी की भी देख रहे हो सब जोड़कर. और उसमें से कोई एक सबसी है जिसने इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन की है विच इज मोर देन 10% ऑफ एनुअल कंसॉलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी विद ऑल इट्स 5 सबसीज.
उन पांचों सबसीज में से एक सबसी ट्रांजेक्शन कर रही है, लेकिन ट्रांजेक्शन का साइज इतना बड़ा है कि वो लिस्टेड एंटिटी और उसकी पांचों सबसीज इंक्लूडिंग दैट सबसी ऑल्सो जो ट्रांजेक्शन कर रही है, सबकी एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर का मोर देन 10% हो गया. गॉट दिस? तो इतने बड़े लेवल की ट्रांजेक्शन कर रही है वो सबसी कंपनी, तो उसके लिए वेल ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए. आई होप गॉट दैट. तो ऑडिट कमेटी अप्रूवल कब कब चाहिए? पहला, अभी तक जो पढ़ा, पहला जब लिस्टेड एंटिटी खुद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है, वेल तो न्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है तो अप्रूवल चाहिए ऑडिट कमेटी का. उसके बाद उस ट्रांजेक्शन में मटेरियल मॉडिफिकेशन हो रही है तो अप्रूवल चाहिए. उसके बाद तीसरा क्या आ गया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं कर रही, रिलेटेड पार्टी की सबसी कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही है, और वो सबसी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है, और यहाँ पर खतरनाक, और ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है. मतलब कल को आप ट्रेनिंग कर रहे हो किसी प्राइवेट कंपनी में, आप कह रहे हो हमें थोड़े ना LODR पढ़ना है, हम तो प्राइवेट कंपनी में ट्रेनिंग कर रहे हैं. वो पता चला वो प्राइवेट कंपनी जो है वो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कर रही है कि वो समझ में आ रहा है इस क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, बिकॉज दैट प्राइवेट कंपनी इज सबसी ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी. अल्टीमेटली मतलब आपको ट्रेनिंग करने के लिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी जाना है तो भी ये रेगुलेशन 23 अप्लाई होगा, आपको ट्रेनिंग करने के लिए प्राइवेट कंपनी में जाना है तो भी ये रेगुलेशन 23 अप्लाई होगा, और कंप्लाई नहीं करेंगे तो फिर सेबी देखेगा आपको. मतलब कंपनी सेक्रेटरी को, ट्रेनिंग को तो क्या देखेगा, बट अपने आप कंपनी सेक्रेटरी को निपटाएंगे फिर वहाँ. कंप्लायंस ऑफिसर हो ना तुम, कंप्लायंस ऑफिसर या जो भी है, वट एवर, देन स्टैचुटरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी. देन पॉइंट सी में भी वेल ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए. अब यहाँ पर हाँ, नेक्स्ट वन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023. फिर से क्या आ गया, आगे तारीख क्या दे दी उन्होंने, 1 अप्रैल 2023. A related party transaction to which the subsidy of listed entity is a party but the listed entity itself is not a party shall require the prior approval of audit committee of the listed entity if the value of such transactions whether entered individually or taken together with the previous transactions or transactions matlab can I say different type of transactions all of them put together exceeds 10% of the annual standalone turnover as per last audited financial statements of the सब्सिडरी कंपनी. अब यहाँ पर द लिस्टेड कंपनी हटाकर क्या कर दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या कर दिया है, सब्सिडरी कंपनी कर दिया है. और अब ये जो आपने ऊपर पढ़ा क्लॉज बी जो आपने पढ़ा, अब देखा जाए तो ये क्लॉज बी की जो लाइफ है ये 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक रहेगी, और फिर 1 अप्रैल 2023 से वैसे तो लाइफ आगे भी रहेगी, मेरा मानना है कि आगे भी रहेगी. मतलब अभी तो फिलहाल तो ये फर्स्ट दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आगे लाइफ खत्म करने वाले हैं इसकी, आगे भी रहेगी एंड ऑनवर्ड्स ऑल्सो. लेकिन आगे जो क्राइटेरिया वो इतना नीचे कर रहे हैं, लेवल इतना नीचे लेकर आ रहे हैं कि इसकी रेलिवेंस बचेगी नहीं, फिर इसकी रेलिवेंस बचेगी नहीं, क्योंकि जो क्लॉज सी वाली थ्रेश होल्ड है वो जल्दी जंप हो जाएगी और क्लॉज बी वाली थ्रेश होल्ड तो बहुत ऊपर रह जाएगी. और अब तो सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 के बाद तो क्या होगा कि वेल वंस अगेन आई रिपीट दैट रिलेटेड पार्टी तो वो वेल या कहना चाहिए लिस्टेड एंटिटी खुद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं कर रही, उसकी सबसी जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है. और आपको चेक क्या करना है, नाउ द ऑल ट्रांजेक्शन पुट टुगेदर इन वन फाइनेंशियल ईयर आर मोर देन 10% ऑफ वॉट, मोर देन 10% ऑफ एनुअल स्टैंड अलोन टर्नओवर. कंसोलिडेटेड भूल जाओ, गोली मारो. एनुअल स्टैंड अलोन टर्न ओवर वो भी लिस्टेड एंटिटी की नहीं लेनी, किसकी लेनी है, ऑफ दैट पर्टिकुलर सबसी. अब सोच के देखो ये तो एकदम से बहुत लो लेवल क्राइटेरिया आ गया, कहने से वेरी लो लेवल एज कंपेयर टू क्लॉज बी अबव, एज कंपेयर्ड टू बी अबव. एक तो कंसोलिडेटेड नहीं ले रहे, सिर्फ स्टैंड अलोन ले रहे हैं, और वो भी स्टैंड अलोन सिर्फ किसकी ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर सबसी कंपनी की अपनी खुद की वेल स्टैंड अलोन टर्नओवर ऑफ वन ईयर, उसका 10% तो जंप एकदम से होगा. अब सोच के देखो कि होल्डिंग कंपनी जो लिस्टेड एंटिटी है वो तो 1 लाख करोड़ की कंपनी है और सबसी कंपनी 100 करोड़ की कंपनी है, और वो 100 करोड़ की कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़, मतलब 100 करोड़ की टर्नओवर का 10% 10 करोड़, ट्रांजेक्शन हो रही है 11 करोड़ की, और ऑडिट कमेटी उस कंपनी की जो 1 लाख करोड़ की कंपनी है उसकी ऑडिट कमेटी कह रही है 11 करोड़ की ट्रांजेक्शन के लिए
हमें क्यों परेशान कर रहे हो, मतलब मक्खी मक्खी मरी पड़ी है और मक्खी साफ करने के लिए भी हम आए। कहाँ हम 1 लाख करोड़ की कंपनी की ऑडिट कमेटी हैं, और कहाँ ये 100 करोड़ रुपए की कंपनी है जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ है और उसका 10% 10 करोड़ आ रहा है टर्नओवर का, 11 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर रहे हो और हमें कह रहे हो आ जाओ अप्रूवल देने के लिए। वो कह रहे हैं इतनी तो हम सेटिंग फीस ले जाएंगे, जितना जितना, और उस ट्रांजेक्शन में जितनी मैनिपुलेशन हो रही होगी, 11 करोड़ की ट्रांजेक्शन है उसमें मैनिपुलेशन कितनी होगी, 2 करोड़ 5 करोड़, उसके लिए तुम हमें परेशान कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि क्या होने जा रहा है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो क्लॉज सी की लाइफ है वो एक्चुअली ऑनवर्ड्स बचेगी नहीं, ये तो सच है। फिर वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आप ये क्राइटेरिया फॉलो करो, और 1 अप्रैल 2023 से क्राइटेरिया सेबी ने एकदम गिरा दिया है। इसमें परेशान कौन होगा? ऑडिट कमेटी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, वो दुखी होने वाले हैं कि कहां से कहां गिराया आपने, कहां 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ लिस्टेड एंटिटी ले रखा था, कहां ओनली 10% ऑफ सोलो स्टैंड अलोन टर्नओवर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सी कंपनी ले लिया आपने। देखो अब कुछ भी हो सकता है, दैट वे दिस वे, लेकिन सेबी ने मतलब गिराकर इतना नीचे गिराना तो मतलब सेंस नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं तो दुखी तो होंगे ही होंगे। देन पॉइंट डी, प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, पॉइंट डी द लास्ट पॉइंट ओवर हियर, द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू विच द लिस्टेड सब्सिडरी इज अ पार्टी, लिस्टेड सब्सिडरी इज अ पार्टी, लेकिन ऑडिट कमिटी अप्रूवल नहीं चाहिए, बट द लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ पार्टी इफ रेगुलेशन 23 एंड सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 15 ऑफ दीज रेगुलेशन आर एप्लीकेबल टू सच लिस्टेड सब्सिडरी। अब पूरे सही बताऊँ, पूरे रेगुलेशन 23 में अगर मैं कहीं कन्फ्यूज हुआ हूँ तो सिर्फ यहीं पर कन्फ्यूज हुआ हूँ, और ना इससे पहले कहीं ना इसके बाद कहीं। ये सबसे कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, जहाँ मेरे को पढ़ के एक बार लगा ये पता नहीं सेबी लिखता कैसे है और क्या लिखता है। अब ये मेरी शक्ल बन गई थी ऐसी सी जब मैंने पढ़ा था पहली बार, ये क्या लिखा है सेबी ने। आपको समझ में आया तो मेरे को बताना, क्योंकि इसकी ना 2-3 अजीब अजीब सी इंटरप्रिटेशन आ रही हैं। ये इकलौता पॉइंट है जो अजीबो गरीब सा है। प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी चाहिए या नहीं चाहिए? ऑडिट कमेटी अप्रूवल नहीं चाहिए। कब नहीं चाहिए? विल अगर ट्रांजेक्शन करने वाली कंपनी कौन सी है, विल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू विच द लिस्टेड सबसी इज अ पार्टी, मतलब अनलिस्टेड सबसी नहीं, लिस्टेड सबसी इज अ पार्टी बट लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ पार्टी। ऊपर से कह रहे हैं अगर रेगुलेशन 3, इफ रेगुलेशन 23 एंड रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 ऑफ दीज रेगुलेशन आर एप्लीकेबल टू सच लिस्टेड सब्सिडरी। अब लिस्टेड सब्सिडरी के लिए कह रहे हैं, वो लिस्टेड सबसी को दो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। कौन सी दो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं? रेगुलेशन 23 भी अप्लाई हो रहा है क्योंकि वो खुद लिस्टेड है ना। अब वो खुद लिस्टेड है तो खुद को भी तो रेगुलेशन 23 अप्लाई हो ही रहा है ना। और दूसरा क्या कह रहे हैं, रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 भी अप्लाई हो रहा है। अब रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 सुन लो, आपको अभी कल बताया था, लास्ट क्लास में कल ही बताया था। तो उसमें क्या बताया था कि जिस लिस्टेड एंटिटी की पेड अप कैपिटल वो 10 करोड़ से कम होती है और नेटवर्थ 25 करोड़ से कम होती है तो उसको रेगुलेशन 15 टू रेगुलेशन 27 अप्लाई नहीं होता। बताया था कंपनीज एक्ट कंप्लाई करना होता है, लेकिन रेगुलेशन 15 टू रेगुलेशन 27 का ब्लॉक अप्लाई नहीं होता। और रेगुलेशन 15 टू 27 में रेगुलेशन 23 भी तो आता है। रेगुलेशन 23 इज अ पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ रेगुलेशन 15 टू रेगुलेशन 27 का ही तो ब्लॉक है। वो चार्ट कौन से पेज पे था एक बार वापस जाकर बताना मुझे। पेज नंबर 15 पे था वो चार्ट। हाँ जी, और ये तो मैं ग्रुप वन में भी करवाता हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप वन में भी ये क्राइटेरिया वहाँ पर भी पढ़ते हैं, आपके साथ यहाँ पर भी पढ़ते हैं। एक बार मैं स्क्रीन पे ले ही आऊँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट अ सेक,
हाँ जी ये वाला, हाँ, सो यू रिमेम्बर दैट नाउ, आई विल से, सो दिस इज़ एक वो लिस्टेड एंटिटी, रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 है ना, और ये पूरा पढ़ना ज़रूरी है, ये पूरा पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आती. रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 कहता है कि एग्जम्प्ट कर दिया, और रेगुलेशन 17 टू रेगुलेशन 27 अप्लाई नहीं होगा. मैं 15 टू 27 बोल रहा था, सॉरी 17 टू 27 अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मुद्दे की बात है, मतलब 23, तो 23 तो इस ब्लॉक में आता ही है, तो रेगुलेशन 23 आरपीटी वाला रेगुलेशन अप्लाई भी नहीं होगा अगर लिस्टेड कंपनी की, लिस्टेड एंटिटी की इक्विटी कैपिटल ₹10 करोड़ या उससे कम है, एंड नेटवर्थ ₹25 करोड़ या उससे कम है ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. लेकिन फिर साथ में ये बोला कि अगर दोनों में से कोई एक लिमिट जंप हो गई तो क्या अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद विद इन 6 मंथ्स आपको सारा कंप्लायंस करना पड़ेगा. याद है, आप एक बार वापस जाकर भी देख लो कि वेल वो डायग्राम में आपने कहीं शायद अपने हाथ से नोटिंग भी की होगी, जब हमने तो वो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया दोनों में से कोई एक जंप कर दिया, दोनों में से कोई भी एक जंप कर लिया तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें सारे कंप्लायंसेस करने हैं फिर उसके बाद. याद है, और बीच में जो एंड लिखा था ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था. तो अब इस चीज़ को वापस से अगर यहाँ पर कोरिलेट करते हैं, प्रायर अप्रूवल ऑफ, हाँ जी, द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है, एंड द लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी इज अ पार्टी, लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी इज अ पार्टी बट द लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ पार्टी. अब लिस्टेड कंपनी के नीचे लिस्टेड सब्सिडरी और लिस्टेड सब्सिडरी इज अ पार्टी, लेकिन लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ पार्टी. और कह रहे हैं कि फिर ऑडिट कमेटी अप्रूवल ऑफ लिस्टेड एंटिटी नहीं लेना पड़ेगा अगर रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 एप्लीकेबल है. क्यों? तो फिर आप एग्जम्प्ट हो, ये कहना चाहते हैं. फिर कह रहे हैं कि वेल एप्लीकेबल है टू सच लिस्टेड एंटिटी और रेगुलेशन 23 भी एप्लीकेबल है. अब एक चीज बताओ, अगर रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 एप्लीकेबल है तो आप एग्जम्प्ट हो, तो अगर आप एग्जम्प्ट हो तो फिर तो रेगुलेशन 23 अप्लाई नहीं होता. या तो रेगुलेशन 23 एप्लीकेबल हो सकता है या तो रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 एप्लीकेबल हो सकता है. ये दोनों कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं एक साथ? मतलब ये सेबी ने क्या घुमाया है, मुर्गी पहले आई या अंडा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यों कंफ्यूज हुआ? ये लैंग्वेज पढ़ के, ऑडिट कमेटी अप्रूवल नहीं चाहिए अगर लिस्टेड सब्सिडरी इज अ पार्टी बट लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ पार्टी. If regulation 23 and regulation 15 sub regulation 2 is applicable to such listed subsidiary, उस listed subsidiary को अगर regulation 23 भी apply होता है और regulation 15 sub regulation 2 भी apply होता है. अच्छा, नीचे भी एक बार और पढ़ो, level of confusion थोड़ा सा और बढ़ाते हैं क्योंकि clause D का explanation ही है नीचे, clause D का explanation है, clause C का नहीं है, clause डी का है. तो एड ऑन करते हैं इस कंफ्यूजन के अंदर. फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अनलिस्टेड सब्सिडरी, अनलिस्टेड सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड सब्सिडरी विल, अनलिस्टेड सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड सब्सिडरी एज रेफर्ड इन द क्लॉज डी अबव, द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी विल ऑफ द लिस्टेड सब्सिडरी शैल बी सफिशियंट. लिस्टेड सब्सिडरी के नीचे एक अनलिस्टेड सब्सिडरी है और उसकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो जो लिस्टेड सब्सिडरी है उसकी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल काफी है अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी की रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन वो तो एग्जम्प्ट है, वो तो खुद ही एग्जम्प्ट है. समझ में आया मैं क्या बोल रहा था स्पेनिश में या वेल जो भी है, संस्कृत स्पेनिश फ्रेंच जर्मन, फिर से वही वाला गंदा वाला स्माइली बना दो. ये कह रहा है ये कि भाई ये क्या है. सो वेल, अब सुनो मेरी बात, क्या मैं यहां पर थोड़ा सा सेंसिबल जाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी अदरवाइज तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं. क्या मैं ये कहूं कि पहले तो ये एग्जाम थी रेगुलेशन 15 से रेगुलेशन 2 में, लेकिन अभी अभी क्राइटेरिया टच कर लिया है, थ्रेशोल्ड जंप कर लिया है, 10 करोड़ से ऊपर चली गई पेड अप कैपिटल या 25 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ अभी 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 गई है, अभी अभी गई है, अभी अभी हमने थ्रेशोल्ड जंप किया, तो 6 महीने मिलते हैं ना कंप्लायंसेस करने के लिए. अब वो भी तो रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 का ही पार्ट है, क्या हम वहाँ फॉल कर रहे हैं? उसकी वजह से हम अभी अभी रेगुलेशन 23 में आए हैं, पहले नहीं थे, पहले एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन हम अभी अभी आए हैं.
अब ये सिचुएशन सोच के पढ़ो तो कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। और वो क्या बोल रहे हैं, अब लिस्टेड एंटिटी है, उसके नीचे लिस्टेड सबसी कंपनी है, जो अभी अभी जिसने 10 करोड़ का और 25 करोड़ का क्राइटेरिया अभी अभी जंप किया है, जिसको रेगुलेशन 23 अभी अभी नया नया अप्लाई हुआ है, उस लिस्टेड सब्सिडरी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो अभी हम ऑडिट वेल लिस्टेड एंटिटी जो ऊपर होल्डिंग कंपनी है उसकी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल अभी नहीं चाहिए, 6 महीने तक अभी नहीं चाहिए, 6 महीने तक, 6 महीने तक हम छोड़ देते हैं आपको, यू आर फ्री, यू आर फ्री। 6 महीने के बाद आप ट्रांजेक्शन करोगे और वो ऊपर आपने क्राइटेरिया पढ़ा था वो मोर देन 10% ऑफ द एनुअल स्टैंड अलोन टर्न ओवर ऑफ सब्सिडरी कंपनी वाली, तो ऑडिट कमेटी ऑफ होल्डिंग कंपनी का अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन ये वाला क्राइटेरिया कब शुरू करेंगे, 6 महीने बाद, ये 6 महीने के बाद शुरू करेंगे, पहले 6 महीने के लिए नहीं। कुछ समझ में आ रही है बात, ये क्राइटेरिया आपको तब लगाएंगे, पहले 6 महीने अभी हमने आपको छोड़ा कि आपकी लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी ने अभी अभी 10 करोड़ की पेड ऑफ कैपिटल जम की है, अभी अभी 25 करोड़ का नेटवर्थ जम किया है, तो आपके ऊपर एक लिस्टेड एंटिटी है और आप लिस्टेड सबसी कंपनी हो और अभी अभी आप आरपीटी कर रहे हो ड्यूरिंग दोज 6 मंथ्स, तो अभी आपको ऑडिट कमेटी ऑफ वेल लिस्टेड एंटिटी जो आपकी होल्डिंग है उसका अप्रूवल नहीं चाहिए, उस ऑडिट कमेटी का अप्रूवल अभी नहीं चाहिए। 6 महीने के बाद फिर आप ये क्लॉज सी में आओगे आफ्टर 6 मंथ्स, तो फिर बात करेंगे, तो फिर आपको लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए होगा अगर आप वो 10% वाला क्राइटेरिया जंप करोगे। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और फिर नीचे कह रहे हैं कि उस वेल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में अगर इसी 6 महीने के बीच में, इसी 6 महीने के बीच में ड्यूरिंग 6 मंथ्स अगर उस लिस्टेड सब्सिडी की भी नीचे कोई अनलिस्टेड सब्सिडी है, उस लिस्टेड सब्सिडी की भी कोई अनलिस्टेड सब्सिडी है ऑफ दैट लिस्टेड कंपनी विच इज गिवन इन द क्लॉज डी अबव, देन द प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी लिस्टेड सब्सिडरी शेल सफाइस, मतलब शेल बी सफिशियंट, तो ये काफी मान लिया जाएगा। और आपको लिस्टेड वो जो आपकी एंटिटी है ऑन द टॉप, उसकी लिस्टेड एंटिटी ऑन द टॉप जो होल्डिंग कंपनी है सबकी, उसकी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल अभी भी नहीं चाहिए ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स, वो अभी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर ये कंपनी कौन सी होनी चाहिए, नीचे अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी होनी चाहिए। अब जरा एक सेकंड के लिए अब ये ध्यान से देखिएगा, अब आपको दो सिचुएशंस दे रहा हूं, दो डायग्राम्स में से एक डायग्राम सही है एक डायग्राम गलत है। अब आपको सही वाला डायग्राम और गलत वाला डायग्राम चुनना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये दो डायग्राम एक के बाद एक आएंगे। समझ में आ रहा है ना, कुछ चेंज हो रहा है। तो सबसे ऊपर कौन सी है, पहले पहले ये सिचुएशन वन ले रहे हैं आप, ऐसे मान लो दिस इज सिचुएशन वन ओवर हेयर, लिस्टेड एंटिटी है, उस लिस्टेड एंटिटी के नीचे लिस्टेड सब्सिडरी है, लिस्टेड एंटिटी का नाम है ए, उसकी लिस्टेड सब्सिडी कंपनी का नाम है बी, और ये वो है जो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है मतलब बिलो बिलो 10 करोड़, बिलो 25 करोड़, दोनों के नीचे है, दोनों क्राइटेरियाज के नीचे है वो है, उसकी फिर एक नीचे अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी और भी है। और ये जो लिस्टेड सब्सिडी कंपनी है बी, ये अब ट्रांजेक्शन कर रही है रिलेटेड पार्टी ऑफ ए के साथ, रिलेटेड पार्टी ऑफ बी के साथ, या रिलेटेड पार्टी ऑफ सी के साथ, तो क्या सेबी इसकी बात कर रहा है जो एग्जम्प्ट है, या फिर जो लिस्टेड कंपनी बी, अब सिर्फ ये चेंज किया मैंने पूरे डायग्राम में, पूरा डायग्राम कॉपी पेस्ट, एग्जम्प्ट नहीं है और जिसका मैं कहूँ जस्ट नाउ हैज जम्प्ड, जस्ट नाउ एक्सीडेड द लिमिट ऑफ टेन करोड़ पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ और नेटवर्थ 25 करोड़, क्या इसकी बात हो रही है, और ड्यूरिंग एंड लेस देन 6 मंथ्स हैव एक्सपायर्ड, एंड लेस देन 6 मंथ्स हैव एक्सपायर्ड, तो एक्चुअली बात इसकी हो रही है, इस सिचुएशन की बात हो रही है, गॉट दिस, एंड दिस इज द करेक्ट सेंसिबल इंटरप्रिटेशन, नहीं तो सेबी ने तो ऐसी तैसी कर रखी है उस लैंग्वेज के अंदर। बात समझ में आई, गॉट दिस। 6 महीने के बाद क्या होगा, फिर
आफ्टर सिक्स मंथ्स? फिर तो वापस ऊपर जो क्लॉज सी था, डी से सी में चले जाएंगे. आफ्टर सिक्स मंथ्स गो टू क्लॉज सी. आफ्टर सिक्स मंथ्स शिफ्ट फ्रॉम क्लॉज डी टू सी. और एक चीज वहां पर और भी लिखी है, एक बार आप यहां ट्रैप हो गए ना दोनों में से किसी भी एक सिचुएशन में, तो फिर आप तीन साल के लिए तो ट्रैप हो गए, तीन साल के लिए तो फंस गए. ये तो लिखा हुआ है वहां पर. तो अगले तीन साल तो फिर आप फंसे हुए क्लॉज सी में. एक बार आ गए क्लॉज सी में तो फिर आ गए क्लॉज सी में अगले तीन साल के लिए. गॉट दिस? अब सैबी ने क्या मकड़ी का जाला बुना है और हम लोग बीच में फंस जाते हैं जाकर. सी, इसलिए हम बोलते हैं वो बाल की खाल, और खाल की खाल ऐसे ही निकाली जाती है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर सॉल्यूशन भी ऐसे निकलेंगे. और कल को मालूम है क्या है, आप बैठे हो ऑफिस में, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बुलाकर पूछता है कि ये समझाना जरा. आप चेयरमैन को या एमडी को तो आप तभी समझाओगे जब खुद समझे समझाए होगे. और वहां तो छोड़ो, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं वो इंटरव्यू में कहते हैं बेटा ये समझाना जरा, इसमें क्या लिखा है, इसकी इंटरप्रिटेशन बताना जरा. ये होता है, सामने रख देंगे सेबी रेगुलेशन, कहेंगे आधा घंटा दिया पढ़ लो, केबिन में बैठो आराम से, बैठने के लिए अलग से टेबल चेयर दे दी, ये रखा तुम्हारे सामने, हम अभी वापस आते हैं इंटरव्यू में पूछते हैं वापस आकर. आप लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग मांगने के लिए गए हो और आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ LODR में जो दी हुई है वो नहीं पता, इंटरव्यू में जाकर आप बैठो और वो रेगुलेशन 23 खोल के बैठ जाए, क्योंकि आप आए हो लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग मांगने के लिए और चाहते हैं ना कि बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज में ट्रेनिंग मिले. तो वो कहेगा चलो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, ये रख लो, आप आधा घंटा रखो बैठकर पढ़ो आराम से. ये आपको स्पायरल बाइंडिंग पकड़ा दिया LODR रेगुलेशन का, 100 पेज का स्पायरल बाइंडिंग है हाथ में पकड़ा देंगे, इसको पढ़ लो एक बार देख लो. आधे घंटे में कोई क्या देखेगा, क्या झांकेगा 100 पेज में. लेकिन हम आ रहे हैं फिर वापस क्वेश्चन पूछते हैं, और सबसे पहले खोलेंगे रेगुलेशन 23 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इन द गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस, और कहेंगे ये खोलो और ज़रा समझाना शुरू करो क्या लिखा है. सो ऐसा, और चक्कर क्या है, उस वक्त तो और ज़्यादा होता है जब नई अमेंडमेंट्स आती है ना, तो कंपनी सेक्रेटरीज को पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं है, खुद वैसे ही डेली इतने कामों में बिजी होते हैं, पढ़ने का टाइम भी नहीं होता उनके पास. तो फिर वो होता है कि चलो जो सामने इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है शायद वही कुछ पढ़कर आया हो, तो उससे ही पूछ लेते हैं, शायद उसके मुँह से ही सुनकर कुछ समझ में आ जाए. लेकिन वो कचरा करके चला गया सामने वाला, तो फिर सब कचरा ही कचरा है. तो ऐसे भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी सेक्रेटरी खुद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, चेयरमैन के पास अभी बोर्ड मीटिंग ख़त्म करके ही आ रहे हैं, और बोर्ड मीटिंग ख़त्म करके आ रहे हैं और अगले दिन नेक्स्ट डे ट्रेनीज़ का इंटरव्यू है, तो कल जो बोर्ड मीटिंग में जो दिक्कतें आई थी, परेशानी आई थी, जिसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था, वही दिक्कतें वही परेशानियाँ उठाकर इंटरव्यू में ट्रेनी से पूछ लो कि बेटा तुम तो अभी अभी पढ़ कर आए हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि लीगल प्रोविजंस में क्या लिखा है. तो ट्रेनी को ही नहीं पता तो फिर वो इंटरव्यू में तो ख़त्म हो गई कहानी. देन नेक्स्ट वन तो मैं कहूँगा आसान है, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट वेरी ईजी ऑल्सो, वेरी ईजी ऑल्सो. ऑमनीबस अप्रूवल का मतलब ओवरऑल ब्लैंकेट अप्रूवल फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, ओवरऑल ब्लैंकेट अप्रूवल फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, वैलिड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर. और कंपनीज एक्ट में भी ऐसा ही है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी और लिस्टेड कंपनीज के लिए भी, दोनों के लिए सेम है. तो क्या बोल रहे हैं, ऑडिट कमेटी मे ग्रांट, ऑडिट कमेटी मे नॉट ग्रांट ऑमनीबस अप्रूवल फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विच इज प्रपोज टू बी एंटर्ड, अभी हुई नहीं है ऑब्वियसली, प्रपोज टू बी एंटर्ड इन टू बाय द लिस्टेड एंटिटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. और ये ऑमनीबस अप्रूवल जो है वो न्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए दिया जा रहा है, मॉडिफिकेशन के लिए नहीं दिया जा रहा है. तो ऑडिट कमेटी पहली बात तो है मे ग्रांट मे नॉट ग्रांट, और अगर दे रहे हैं तो किसके लिए, न्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए जो होने वाली हैं आने वाले एक साल में. और देन वी से ऑडिट कमेटी शैल ले डाउन द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग द ऑमनीबस अप्रूवल, उसका भी एक क्राइटेरिया ले डाउन किया जाएगा कि कौन सी वाली ट्रांजेक्शन के लिए आपको ऑमनीबस अप्रूवल मिलेगा, इन लाइन विद पॉलिसी ऑन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, एंड सच अप्रूवल विल बी
applicable in respect of the transactions which are repetitive in nature. Very very important. हालांकि इसके ऊपर भी बहस होती है, कुछ transactions weekly basis पे repeat होती हैं, कुछ transactions monthly basis पे repeat होती हैं, कुछ transactions company के business को देखते हुए quarterly basis पे repeat होती हैं, कुछ transactions half yearly basis पे repeat होती हैं, कुछ transactions साल में एक बार होती हैं फिर अगले साल आएगी, तो उसको repetitive बोलें या ना बोलें, रिपीटेटिव का मतलब कितना रिपीटेटिव, इसको लेकर भी लड़ाइयाँ होती हैं. देन द ऑडिट कमिटी शेल सेटिस्फाई इट्सेल्फ रिगार्डिंग द नीड, शेल सेटिस्फाई इट्सेल्फ रिगार्डिंग द नीड ऑफ सच ऑमनीबस अप्रूवल. अगर नीड है तो दें, नहीं है तो ना दें. और पास्ट में ये क्वेश्चन एग्जाम में दो बार आ चुका है, टू टाइम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ऑमनीबस अप्रूवल. राइट अ शॉर्ट नोट, टू टाइम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑलरेडी देयर इन द पास्ट. So we say the audit committee shall satisfy itself regarding the need for the omnibus approval and that such approval is in the interest of listed entity. कि ये जो approval है वो listed entity के favor में है. तो दो बातें देखेंगे, पहली बात audit committee ये check करेगी कि need है या नहीं है omnibus approval की, और दूसरी बात ये check करेंगे कि ये जो approval दिया जा रहा है ये उस related party के फायदे के लिए नहीं दिया जा रहा, अपनी खुद की लिस्टेड एंटिटी को उस चीज़ की ज़रूरत है तो देंगे और उसके फायदे में है तो देंगे. दैट इज़ देयर. जैसे एक रॉ मटेरियल है हर हफ्ते वीकली बेसिस पे खरीदना है, और अगर वीकली बेसिस पे खरीदना है और हम उसी पार्टनरशिप फर्म से ही खरीदते हैं जहाँ पर हमारे एमडी की वाइफ उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, कहीं और से लेते नहीं है, और बेस्ट क्वालिटी मिली जाती है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं बट से, लेकिन हमें मालूम है कि रिपीटेटिव नेचर पे हो रही है और बार 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 वीकली बेसिस पे ऑडिट कमेटी मीटिंग क्या करवानी है, तो वीकली बेसिस पे है तो ऑमनीबस अप्रूवल दे दो. देन द ऑमनीबस अप्रूवल शेल स्पेसिफाई नंबर वन द नेम ऑफ द पार्टी, नंबर टू द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, नंबर थ्री द टाइम पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर फोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट शेल बी एंटर्ड, नंबर फाइव इंडिकेटिव प्राइस बेस प्राइस, नंबर सिक्स द करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ओवर देयर एंड द फॉर्मूला फॉर द वेरिएशन. अगर मान लीजिए हम आपको प्लस माइनस 2% अलाउ कर देते हैं, अगर कोई देना है तो दे दीजिए, कि जिस प्राइस पे हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं, आने वाले टाइम में रॉ मेटेरियल के प्राइसेस शूट अप शूट डाउन होते रहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी चेंज होते रहते हैं, तो आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस 2% वेरिएशन पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. सच अदर कंडीशंस एज द ऑडिट कमेटी में डीम फिट. इसके बाद जो है दैट इज ध्यान से देखिएगा, सच अदर कंडीशंस एज द ऑडिट कमिटी में डीम फिट प्रोवाइडेड दैट वेयर द नीड फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी फोरसीन. हमें पता ही नहीं कि जरूरत भी है या नहीं है, हमें नीड भी नजर नहीं आ रही कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की कोई नीड है, द नीड कैन नॉट बी फोरसीन, तो उस केस में ऑडिट कमिटी में ग्रांट ऑमनीबस अप्रूवल फॉर द ट्रांजेक्शन फॉर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 crore पर ट्रांजेक्शन. कंपनी लॉ में सेम है, कंपनीज एक्ट में सेम है, वहाँ जो रूल्स बने हुए रूल 6A बना हुआ है कंपनीज एक्ट में सेम है. तो यहाँ पर बोलते हैं ब्लाइंड अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी. ब्लाइंड अप्रूवल क्यों कह रहा हूँ, अभी तो नीड भी नहीं पता और होगी भी ट्रांजेक्शन या नहीं भी होगी ये भी नहीं पता, किसके साथ होगी, किस पार्टी के साथ होगी, किस नेचर की ट्रांजेक्शन होगी, कुछ नहीं पता, लेकिन हम अप्रूवल दे रहे हैं. सो प्रोवाइडेड दैट वेयर द नीड ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी फोरसीन एंड द अफोरसेड डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल. क्या लिखा है, ऊपर जो डिटेल्स हैं ये भी अवेलेबल नहीं है, ये सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है और नीड का भी नहीं पता, तो भी ब्लाइंड अप्रूवल दे रहे हैं. ब्लाइंड अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी बट फॉर ईच ट्रांजेक्शन If transaction value is how much? If value is rupees 1 crore per transaction. If value is maximum rupees 1 crore per transaction. ऊपर जो approval दे रहे थे, हाँ जी, क्या वो full analysis के बाद दे रहे थे? जो ऊपर पॉइंट सी में आपने C1, C2, C3 में पढ़ा, वो जो अप्रूवल था दैट वाज सोचा समझा और प्रॉपर कैलकुलेटेड अप्रूवल था, दैट वाज
proper, visible facts in omnibus approval. ऊपर भी blanket approval था लेकिन सारे visible facts के साथ था, और नीचे कह रहे हैं जी details available है ही नहीं, ना तो हमें need पता है ना तो हमें details पता है, लेकिन approval हम फिर भी दे रहे हैं. I have got this. Then point D below that, audit committee. लेकिन blind approval देने के बाद ऐसा नहीं कि सो गए, blind approval देने के बाद उसको review करेंगे on the quarterly basis. और companies act में भी ऐसे ही है कि इसको review करते रहेंगे on the quarterly basis कि blind approval का misuse तो नहीं हो रहा, misuse तो नहीं हो रहा. To check the misuse of the blind approval, कहीं उसका misuse तो नहीं हो रहा. देन और अगर मिस यूज़ हो रहा होगा तो क्या उसको रोक दिया जाएगा? येस. देन सच ऑमनीबस अप्रूवल इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर. मैक्सिमम वैलिडिटी इज वन ईयर. एंड यू रिक्वायर अ फ्रेश अप्रूवल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर. एक साल के बाद फिर से चाहिए होगा. तो यहाँ आकर वो ऑडिट कमिटी अप्रूवल वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है. इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है शेयर होल्डर्स अप्रूवल. और शेयर होल्डर्स अप्रूवल सिर्फ कब चाहिए होता है? अगर मटेरियल आरपीटी हो. ऑडिट कमेटी अप्रूवल कब चाहिए होता है? ईच एंड एवरी आरपीटी, चाहे मटेरियल है या मटेरियल नहीं है. तो आल से अब ये चीज भी यहां पर याद रखेगा. विल आई पुट इट ऑन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आपको भी लिखना है तो साथ में लिख लीजिएगा. ऑडिट कमेटी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर audit committee approval is required for each RPT whether material or not, each new RPT whether material RPT or not. Number two, it is also required for any material modification, और ये अब material transaction नहीं है, material modification है. Any material modification of existing RPTs. और फिर हमने बात की also required जब आपकी listed जो आपकी सबसी companies हैं, जब आपकी सबसी companies जो हैं वो RPT transaction कर रही हैं और listed entity खुद नहीं कर रही है. That is the RPTs by सबसी company of listed entity इसको लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ. अप्रूवल ऑफ सेबी की लैंग्वेज के क्लोज जा रहा हूँ. अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड एंटिटी इज रिक्वायर्ड. So approval of the audit committee of the listed entity is required for all these things. Will each new RTP ke liye chahiye, any material modifications ke liye chahiye, aur RPT by the listed subsidiary and by the subsidiary company of the listed entity. Well, lekin usme threshold criteria tha. If थ्रेशोल्ड इज एक्सीडेड. आजकल थ्रेशोल्ड क्या चल रहा है? 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. आने वाले टाइम में थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा? 10% ऑफ द स्टैंड अलोन टर्नओवर ऑफ दैट सब्सिडरी कंपनी. क्लियर है ना? लिख दूं क्या वो भी यहां पर? तो दैट इज
greater than 10% of annual consolidated turnover of listed entity लेकिन ये क्राइटेरिया हम कब से लेकर कब तक के लिए देख रहे हैं फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए देख रहे हैं और इधर ग्रेटर देन 10% ऑफ एनुअल स्टैंड अलोन turnover of that particular subsidiary company only अब ये क्राइटेरिया कब देखेंगे 1 अप्रैल 2023 onwards Just a sec. आप ये कह रहे हो कि लिस्टेड एंटिटी की लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी है और ये लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी जो है इसकी अपनी खुद की भी ऑडिट कमेटी है और लिस्टेड एंटिटी की भी ऑडिट कमेटी है और एग्जम्पशन कोई है नहीं एग्जम्पशन कोई है नहीं और लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है तो क्या दो दो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेंगे कि लिस्टेड वेल सब्सिडरी अपनी ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल ले रही है और फिर लिस्टेड जो एंटिटी होल्डिंग कंपनी है उसकी भी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल ले रही है इस सबको पढ़कर तो ये लग रहा है यस दो दो ऑडिट कमिटीज का अप्रूवल चाहिए होगा और लिस्टेड एंटिटी वाले वो लेकिन लेकिन एक चीज़ है लिस्टेड वेल जो आपकी होल्डिंग कंपनी है उसका अप्रूवल तो तभी चाहिए होगा ना जब थ्रेश होल्ड जंप हो रही होगी अगर थ्रेश होल्ड के नीचे है तो फिर लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी अपनी खुद की ऑडिट कमेटी का अप्रूवल तब भी लेगी या नहीं लेगी अगर थ्रेश होल्ड के नीचे है थ्रेशोल्ड के नीचे है तो फिर लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी सिर्फ अपनी खुद की ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेगी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी जो है उसकी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लेगी और अगर थ्रेशोल्ड जंप हो रही होगी तो फिर दोनों ऑडिट कमेटीज़ का अप्रूवल चाहिए होगा अगर थ्रेशोल्ड जंप हो रही होगी तो क्लियर है अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स अप्रूवल शेयर होल्डर्स अप्रूवल सिर्फ कब चाहिए अगर आप कौन सी वाली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं मटेरियल आरपीटी कर रहे हैं सो अ मटेरियल आरपीटी विल एंड सब्सिक्वेंट मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ दैट मटेरियल आरपीटी एज डिफाइंड इन द पहले तो आरपीटी खुद मटेरियल होनी चाहिए और फ्यूचर में जब उसकी मॉडिफिकेशन भी हो रही हो तो वो भी मटेरियल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल आरपीटी समझ में आ रहा है मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल आरपीटी तो उन दोनों केसेस में आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए शेल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ रेजोल्यूशन एंड दैट में बी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एसआर नहीं चाहिए ओआर से भी काम चलेगा एंड नो रिलेटेड पार्टी शेल वोट रिलेटेड पार्टी को नो रिलेटेड पार्टी चाहे वो उस ट्रांजेक्शन में रिलेटेड हो या ना हो याद है राकेश झुंझुनवाला रेखा झुंझुनवाला और रतन टाटा आई वॉज टॉकिंग अबाउट ना तो मतलब अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रेखा झुंझुनवाला के साथ तो रतन टाटा भी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रतन टाटा के साथ टाइटन इज डूइंग ट्रांजेक्शन विद रतन टाटा तो रेखा झुंझुनवाला भी उसमें वोट नहीं करेंगी जबकि देखा जाए तो रेखा झुंझुनवाला का उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है भी नहीं लेकिन मना कर दिया सभी ने नो रिलेटेड पार्टी शेल वोट एट ऑल और शेल अप्रूव सच रेजोल्यूशन वेदर द एंटिटी इज रिलेटेड पार्टी टू द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और नॉट इतना क्लियर लिखा है ना सेवी ने कि कन्फ्यूजन का स्कोप ही नहीं है लेकिन एक चीज़ बताना वो कह रहे हैं अप्रूव नहीं करना नेगेटिव वोट देना चाहे रेखा झुंझुनवाला अप्रूवल पॉजिटिव वोट देना अलाउड नहीं है किसी भी रिलेटेड पार्टी को नेगेटिव वोट देना अलाउड है चुप बैठना अलाउड है नेगेटिव वोट देना अलाउड है
अप्रूव करना अलाउड नहीं है, फेवर में वोट देना अलाउड नहीं है. बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये तो लड़ाई करवा देंगे आपस में. ये वाला एग्जाम्पल ले रहे थे. तो अब अगर टाइटन की एजीएम हो रही है और टाइटन की एजीएम में क्या हो रहा है यहां पर, या एजीएम कह लो या ईजीएम हो रही है, व्हाटएवर, इन एजीएम हम क्या कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विच इज मेटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. क्या कर रहे हैं? मेटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और इट्स मटेरियल मॉडिफिकेशन व्हाटएवर. और इस केस में विद होम, विद लेट अस से विद रतन टाटा, विद एग्जांपल लेते हैं विद रतन टाटा. अब इस केस में रतन टाटा और राकेश झुंझुन रेखा झुंझुनवाला के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? या तो दोनों चुप रहें या फिर दोनों नेगेटिव वोट दें. दे कैन आइदर कीप साइलेंट और दे कैन गिव नेगेटिव वोट, बट दे कैन नॉट गिव पॉजिटिव वोट. पॉजिटिव वोट देने का हक सिर्फ किसको है? ये जिनके पास 18% है, जनरल पब्लिक. सो दीज पीपल दे कैन आइदर कीप साइलेंट and don't vote, or they can give negative vote against this RPT. Ab general public has all options, positive they, negative they, chup rahe. So general public can vote in favor or can vote against or don't vote. मतलब उनके पास तो ऑप्शन है. तो अप्रूव करने का हक सिर्फ किसको है? जनरल पब्लिक. और रतन टाटा और रेखा झुंझुनवाला वहां बैठ के एजीएम में क्या करेंगे? साइलेंट रहेंगे या नेगेटिव वोट देंगे? हाँ, वॉकआउट कर लेंगे. वॉकआउट कर लेंगे तो मतलब फिर शेयर होल्डर्स कहेंगे अब तुम ही जा रहे हो, तुम्हें मतलब नहीं, हम भी क्या अप्रूव करें. वॉकआउट क्या होता है? मतलब ये कोई वो थोड़े ना कि लोकसभा राज्यसभा में बैठे हैं, अपोजिशन का मन किया वॉकआउट करके जा रही है. आगे आगे पढ़ लो, लोकसभा राज्यसभा से निकल आओ बाहर. सो प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू विच द लिस्टेड सब्सिडरी इज अ पार्टी बट लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ पार्टी. और फिर से वो रिपीट हो गया, फिर से सेम डायग्राम, फिर से सेम डायग्राम. रेगुलेशन 23 भी एप्लीकेबल है और रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 भी एप्लीकेबल है, जहाँ पर हमने वो बढ़िया वाला स्माइली बनाया था. ये सेम लैंग्वेज है, दिस इज सेम लैंग्वेज रिपीटेड. और इसका फिर वो फाइनली नटशेल में कौन सी वाली ले लूँ अभी, यहाँ लिस्टेड सबसे कंपनी जो अभी अभी 6 महीने जिसके पूरे नहीं हुए हैं, थ्रेश होल्ड लिमिट इज जस्ट जम्प्ड और 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं. Less than 6 months after jumping, the threshold limit or threshold limit, threshold limit of how much? Of 10 crore or 25 crore. अभी लेस देन 6 months हुए हैं, अभी नया नया लॉ एप्लीकेबल हुआ, तो अभी तो कह रहे हैं लिस्टेड एंटिटी के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आपको अभी तो नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगा, बाद में चाहिए होगा.
और अनलिस्टेड उसके नीचे वही दोबारा से रिपीट हो रहा है दैट अनलिस्टेड सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड सब्सिडरी एज रेफर्ड अबव द प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द लिस्टेड सब्सिडरी इज सफिशियंट ड्यूरिंग दोज सिक्स मंथ्स ड्यूरिंग दोज सिक्स मंथ्स उस लिस्टेड सब्सी के नीचे एक अनलिस्टेड सब्सी और है एंड आई एम होपिंग कि वो डायग्राम आपको याद है. तो सेम डायग्राम इज एप्लीकेबल ट्वाइस ओवर देयर. और यहाँ पर हम जब कह रहे हैं ये एग्जम्प्टेड नहीं है और ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो अब यहाँ पर दो अप्रूवल नहीं चाहिए. कौन से दो अप्रूवल नहीं चाहिए? नो नीड ऑफ अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी और शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी ए. कोई आवश्यकता नहीं है. अप टू हाउ मेनी मंथ्स? अप टू सिक्स मंथ्स ऑफ जंपिंग द लिमिट. क्लियर है? ना तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए और ना ही शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए लिस्टेड एंटिटी से. तो रिपीट किया है सेबी ने कहीं ना कहीं. दैट लैंग्वेज इज रिपीटेड. प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड अंडर दिस सब रेगुलेशन, मतलब शेयर होल्डर्स अप्रूवल शेल नॉट अप्लाई. शेयर होल्डर्स अप्रूवल की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. अगर मामला इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का है, अगर रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी ने अप्रूव किया है अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंसॉल्वेंसी कोड और उसकी वजह से उस रेजोल्यूशन प्लान में कोई मटेरियल आरपीटी हो रही है, लेकिन उस रेजोल्यूशन प्लान की वह ठप्पा किसका लगा है? एनसीएलटी का लगा हुआ है. और इंसॉल्वेंट कंपनी है और उसको हम रिवाइव कर रहे हैं कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में. रेजोल्यूशन प्लान बनाया, उस कंपनी का टेक ओवर करवा रहे हैं या उस कंपनी को मर्ज कर रहे हैं किसी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन द रेजोल्यूशन प्लान. तो उसमें अगर एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है कि मटेरियल आरपीटी ट्रांजेक्शन आप कर लो, एनसीएलटी अप्रूवल मिल गया है, तो देन देयर इज नो नीड ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल. तो मेटीरियल योर रेजोल्यूशन प्लान कंटेन्स मेटीरियल आरपीटी. उसके नीचे हम कह रहे हैं ऊपर जो आप जितना कुछ भी पढ़कर आए हो, सब रेगुलेशन 2, सब रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 4, क्या क्या पढ़कर आए हो ऊपर सब रेगुलेशन 2, 3, 4 में? सब रेगुलेशन 3 में ऑडिट कमेटी अप्रूवल, सब रेगुलेशन 4 में शेयर होल्डर्स अप्रूवल, और उससे पहले सब रेगुलेशन 2 में यही चल रहा था, आरपीटी चल रहा था. सब रेगुलेशन ऑडिट कमेटी अप्रूवल ही चल रहा था, ऑडिट कमेटी अप्रूवल. सब रेगुलेशन 2 में भी ऑडिट कमेटी अप्रूवल, सब रेगुलेशन 3 में ऑमनीबस अप्रूवल, सब रेगुलेशन 4 में शेयर होल्डर्स अप्रूवल. तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ गया भाड़ में. देर आर सम एग्जम्पशंस. अगर ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? दो गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में हो रही है, तो ऑडिट कमेटी अप्रूवल भी नहीं चाहिए, ऑमनीबस अप्रूवल भी नहीं चाहिए. और शेयर होल्डर अप्रूवल भी नहीं चाहिए. तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए. तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए. अगर ट्रांजैक्शन दो गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में हो रही है एंड देन वी से दैट इज एग्जम्पशन 1. और सेकंड एग्जम्पशन क्या है? अगर ट्रांजैक्शन होल्डिंग कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज के बीच में, उसकी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी से हो रही है, हुज अकाउंट्स आर कंसोलिडेटेड विद द होल्डिंग कंपनी, वो तो होते ही हैं, एंड प्लेस्ड बिफोर द शेयर होल्डर्स इन द AGM, वो तो होता ही है हमेशा, तो वो भी एग्जम्प्ट हो गया. तो पहला तो टू गवर्नमेंट कंपनीज एग्जम्प्ट हो गया, दूसरा होल्डिंग कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के बीच में हो रही है तो भी एग्जम्प्ट हो गया, तीसरा ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग बिटवीन द टू होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी हूज अकाउंट्स आर कंसोलिडेटेड विद द होल्डिंग कंपनी. तो ऊपर कौन है? लिस्टेड होल्डिंग कंपनी. और उसके नीचे क्या है? उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी 1, होली ओन्ड सब्सिडरी 2.
और इन दोनों के बीच में आपस में आरपीटी हो रही है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इन दोनों के बीच में तो भी एग्जम्प्ट है, नो एक्वल। और पैसा घर का घर में ही है, बाहर तो कहीं जा ही नहीं रहा ना, मतलब सिंपल सिंपल दिख रहा है। और गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट तो हम सबसे ऊपर है, मतलब हमारे से ऊपर के लेवल की चीज़ है। गवर्नमेंट ने अपने आप को खुद को तो एग्जम्प्ट कर ही लिया कि करो आरपीटीज। और अगर दो गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में हो रही है तो ठीक है, सरकारी पैसा है और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। गवर्नमेंट कंपनीज के लिए सेक्शन 2 क्लॉज 45 और कहने द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शेल बी एप्लीकेबल टू ऑल प्रॉस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन, मतलब ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 सबके लिए एप्लीकेबल हैं। एंड ऑल एग्जिस्टिंग मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो पुरानी चली आ रही थी एंटर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2022, जो पुरानी वाली चली आ रही थी और उनका टेन्योर चल रहा है, वो पहली वाली चलती रहेंगी। दे विल कॉन्टिन्यू बियॉन्ड आफ्टर आफ्टर 1 अप्रैल 2022, वो पहले वाली चलती रहेंगी। विल एंड विल बी प्लेस्ड बिफोर द शेयर होल्डर्स इन द फर्स्ट जनरल मीटिंग आफ्टर 1 अप्रैल 2022, जो भी फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी, अब तो हो चुकी होगी, 30 सितंबर 2022 चला गया, तो एजीएम में प्लेस कर दिया जाएगा और उनको नोटिफाई, उनका अप्रूवल ले लिया जाएगा एट फर्स्ट जनरल मीटिंग। पुरानी वाली आरपीटी चलती रहेगी, लेकिन उसके लिए भी एक सेकेंड न्यू अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनका भी न्यू अप्रूवल लेना पड़ेगा। और मैं तो मानकर चल रहा हूँ ये काम ऑलरेडी हो चुका होगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को तो अपनी एजीएम 5 महीने में करवानी होती है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद। तो 31 मार्च की क्लोजिंग थी, तो 5 महीने का मतलब तो उन्होंने अपनी 31 अगस्त तक एजीएम करवा ली होगी। अब 31 अगस्त 2022 चला गया और ये कहानी पुरानी कहानी हो गई, खत्म हो गई अब ये कहानी। देन आई विल से लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन द फॉर्मेट। अब तो बस डिस्क्लोजर देने हैं, अब लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोजर्स देने हैं। और साथ में प्रोवाइडेड दैट द हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी कौन सी होती है, जिसके एनसीडी 500 करोड़ से ज़्यादा वाले लिस्टेड हों। विल 500 करोड़ के एनसीडी लिस्ट करवा रखे हैं, 500 करोड़ से ज़्यादा के। विल शेल सबमिट देयर डिस्क्लोजर्स अलॉन्ग विद द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द हाफ ईयर, हाफ ईयरली डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट साथ में देना होता है उनको जब जब डिस्क्लोजर देते हैं। तो और ऊपर भी हमारी बात हुई, ये डिस्क्लोजर कौन से होते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली, अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, दीज आर द हाफ ईयरली डिस्क्लोजर्स, तो वो भी देने हैं। और फिर अलॉन्ग विद दैट वी से हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज के लिए एड ऑन रिक्वायरमेंट्स हैं। देन लिस्टेड एंटिटी शेल मेक सच डिस्क्लोजर्स एवरी 6 मंथ्स विद इन 15 डेज ऑफ द, ये तो टाइम उन्होंने बता दिया कि हाफ ईयर खत्म होगा तो उसके बाद 15 डेज का टाइम मिलेगा आपको, विद इन 15 डेज आफ्टर हाफ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंड। 15 डेज कहाँ से हैं, सॉरी 15 डेज क्लोजर से नहीं है, हाफ ईयर के जब आपका पब्लिकेशन होगा, हाफ ईयर फाइनेंशियल रिजल्ट का जब आपका पब्लिकेशन होगा, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होगा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएगा, उसके बाद विद इन 15 डेज आपको ये फाइलिंग करनी है, दैट इज देयर। एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लिस्टेड एंटिटी शेल मेक सच डिस्क्लोजर एवरी 6 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंड अलोन। 1 अप्रैल 2023 के बाद आपको 15 दिन नहीं मिलेंगे, ये 15 दिन का टाइम अभी आपको कब मिल रहा है, बिफोर या अप टू 31 मार्च 2022, तो ये चलेगा, 15 दिन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। और 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स ना, जिस दिन आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे ना, सेम डे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। लिस्टेड एंटिटी शैल मेक डिस्क्लोजर एवरी 6 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इटसेल्फ, ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इटसेल्फ। विल एंड नॉट यू विल नॉट गेट 15 डेज एक्स्ट्रा, तो अभी तो 15 डेज 31 मार्च 2022 से पहले वो मिल रहे हैं कि पब्लिकेशन के बाद 15 दिन में आप डिस्क्लोजर दो, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ आकर बोलेंगे रेगुलेशन 23 इज ओवर, जो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम था इस पूरे चैप्टर में, लेकिन मैंने मेहनत करवाई है आपको। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जाम में ICSI सिर्फ क्या पूछ रहा है, ओमनीबस अप्रूवल और कोई नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये पढ़े बिना तो डिग्री लेनी भी नहीं चाहिए हमें, हम लोग डिजर्व ही नहीं करते डिग्री लेना अगर हमें आरपीटी के बारे में नहीं मालूम ना, LODR के बारे में और आरपीटी के बारे में नहीं मालूम, तो वी डोंट रियली डिजर्व टू बी अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अनलेस वी नो ऑल दिस। बाकी गले में डिग्री लटका के घूमने वाले बहुत हैं जिनको रेगुलेशन 23 आज तक समझ में आया नहीं, लेकिन फिर वो मुझे तो बेवकूफ़ लगते हैं वो लोग कि भाई
जिंदगी काटने के लिए जिंदगी काट रहे हो एज प्रोफेशनल्स. सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, लेकिन वो अंदर फायर नहीं है कि हम जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और टॉप 100 कंपनीज या टॉप 500 कंपनीज में पहुँच कर कुछ बहुत बड़ा काम करने वाले हैं. तो वो वाली फायर जगानी है तो फिर ये अपने आप को क्या बोलते हैं, पहले वो अपने आप को तपाना पड़ता है. वो लोहा जब, या कहना चाहिए लोहा तपता है तो फिर वो गर्म होता है, तो उसके बाद जाकर फिर वो शेप लेता है. या अगर क्या बोलते हैं, सोने को जलाया जाता है तो कुंदन बनता है. तो ये वो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में से निकलना ज़रूरी होता है टू फॉर फॉर योर नेक्स्ट 30-35 ईयर्स लॉन्ग टर्म करियर परस्पेक्टिव. आल से